कर तो फाइव फोर थ्री टू वन लाइव। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जल्दी जल्दी गाइस अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए, लेट द मैजिक बिगिन लिख दीजिए। सो आपके CBSE 12th बोर्ड के रिलेशन फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को करने वाले हैं, राइट? एंड लेट मी टेल यू पीपल, दिस इज योर ऑब्वियसली NCERT का चैप्टर नंबर 1 and 2। एंड सच में बता रही हूँ, 8 नंबर लिटरली आपको लगेगा आप हलवे की तरह खा सकते हो यहाँ पे। कैसे? क्योंकि यार यहाँ ना काफ़ी चीज़ें आपके सिलेबस से कटी हुई हैं। बिल्कुल तुम्हारा काम रहेगा अच्छे से पढ़ना एंड वीडियो को लाइक करना अगर मज़ा आए तो। यही मेरी गुरु दक्षिणा है क्योंकि वी डू नॉट सेल एनी कोर्सेज, ठीक है? चलिए, सो 12th मैथ के ये वाले मैराथन के सेशंस एंड NCERT के जो बिल्कुल बेसिक से एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज वाले सेशन है वो यहाँ मिल जाएंगे, tinyurl.com/jeeviwithnehamam, राइट? इसके अंदर यहाँ पे आप देखो बेसिक से करे हुए हैं सारे के सारे, NCERT की हर एक्सरसाइज कवर की हुई है, राइट? रिलेशन फंक्शंस आज आपका हो जाएगा एंड इनवर्स ट्रिगो। इसके साथ साथ जो भी मेरी जेई की जनता है, tinyurl.com/jeeviwithnehamam आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड यहाँ पे आप क्लिक करते हो ना JEE 23 एक्सक्लूसिव सीरीज, तो आपको मिल रहा है 100 मिनट्स का डेली डोज, राइट? जिसके अंदर हम थ्योरी की एक क्विक रिविजन के बाद कम से कम 100 मिनट की सॉल्विंग करते हैं। मतलब ऐसे चुने हुए आपके एक तो 2023 के क्वेश्चंस एंड कुछ हैंडपिक्ड और भी क्वेश्चंस की, इसकी DPPs एंड सॉल्यूशंस आपको मिल रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप ऑफ मैथमेटिकली इंक्लाइंड, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। स्टार्ट कर देते हैं, ओके? तो ये अपना प्लान है, आई होप आप लोग को, अरे 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 यहाँ से प्लान कहाँ से गायब हो गया, कोई बात नहीं अभी लगवाती हूँ, ठीक है? अभी लगवा देते हैं, ओके। यहाँ पे सिलेबस आपका देख ले ज़रा यहाँ पे और मुझे बता दो अब अगला सेशन आपका कौन सा है, कब है? शाम को 5 बजे आपका कॉन्टिन्यूटी डिफ्रेंसिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यानी chapter 5 and 6, ओके? तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखो सिर्फ आपकी एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.2 की बेसिक बेसिक चीज़ें कवर हो रही हैं एंड यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 एंड कुछ कुछ प्रॉपर्टी जो इनवर्स ट्रिगो की कवर करेंगे। दिस इज दी ओवरऑल व्यू ऑफ योर 12th बोर्ड सैम्पल पेपर, आई होप हमको पता ही है। 5 बजे बेटा जी, 5 बजे, ठीक है? तो हर तरीके के क्वेश्चन की कवरेज करेंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी जहाँ जहाँ पॉसिबल है वी आर गोइंग टू डिस्कस। इस सेशन में एक चीज आप लोग को बता दूं, इस सेशन के अंदर आपको मिलने वाले हैं NCERT के सवाल, NCERT एग्जाम्पलर के सवाल, आपके आपके सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस, आपके पास्ट ईयर क्वेश्चंस। तो फटाफट से अब आ जाओ बेटा, शुरू कर देते हैं, राइट? मैजिक बिगिन हो चुका है, चलिए बहुत बढ़िया, ओके। रिलेशन क्या होता है बेसिक से एकदम मस्त तरीके से पढ़ लेते हैं, राइट? रिलेशन क्या कहता है, A एंड B आर 2 non-empty sets। देखो थोड़ी सी बेसिक बता देती हूँ भैया, ये 2 सेट थे जो तुमने क्लास 11th में पढ़े होंगे, राइट? मैंने यहाँ पे 2 सेट लिए एंड इसका बनाया कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये जो आपको शब्द यहाँ पे दिख रहा है इसका हमने बनाया क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, क्या मुझे कोई बता सकता है? जैसे अगर इसके पास एलिमेंट्स हैं ABCD एंड इसके पास एलिमेंट्स हैं लेट्स से 1 2 3, अब जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स पॉसिबल हैं जैसे A1 A2 A3, नेक्स्ट B1 B2 B3, नेक्स्ट C1 C2 C3, एंड उसी तरह से आपका लेट अस से आई हैव D1 D2 D3, करेक्ट? लेट अस से कि ये चीज है, और बाय द वे इसके ये जो PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी सेशन एंड होते ही, ठीक है? सो डोंट वरी अबाउट इट। ये तो हो गया जी कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब अगर मैं आपको बोलूं कि नहीं यार मुझे तो एक स्पेशल सा रिलेशन चाहिए, मुझे सारे अंटरपंटर नहीं चाहिए यहाँ पे, मुझे सिर्फ रिलेशन में मेरे वो डालो यार जो इस प्रकार के हो कि जिसकी ऑड नंबर एंडिंग हो, तो क्या तुम लिख सकते हो कि क्या क्या डाल सकती हूँ मैं? ऑड नंबर से एंडिंग हो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स दे दो हमें, क्या मुझे बता सकते हो आप क्या होगा इसका? कमऑन माय आर्मी, क्विकली। यस, बिल्कुल। आप बोलोगे कि यार फिर इसके अंदर तो नेहा मैम A1 A3, करेक्ट?
आपका B1, B3, आपका C1, C3 एंड D1, D3। यही आ सकते हैं ना, सिर्फ यही वाले आ सकते हैं। हमने देखा था पूरा का पूरा चीजें हमें दी हुई थी A से B तक, लेकिन सिर्फ यही वाली हम लोग ले सकते हैं, करेक्ट। तो हम क्या कहते हैं, रिलेशन कुछ नहीं है, सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब क्लास 12th में क्या होने वाला है? हाँ, बहुत सही सर, जरा वो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट वाले में ना शेड्यूल था पूरा, वो इस स्लाइड्स में भी लगवा दीजिए उनको कह के। हाँ, अब वो तो जो भी हो रहा है, ठीक है ना, ये चीज समझ में आ गई। तो रिलेशन क्या है, ए क्रॉस बी का एक सबसेट है। अब आपकी बेसिकली क्लास 12th में क्या करते हैं, रिलेशन इन ए बोलते हैं, यानी ए से ए तक ही जाएगा। सिंपल चीज है, समझ में आ रही है? अगर पहली बार भी पढ़ रहे हो ना बेटा, तुम्हें कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं होने वाली, आराम से कर सकते हो। टाइप्स ऑफ रिलेशंस है, अब बच्चे मेरे को कहते रहते हैं हैंड रिटन, मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा खुद लिखकर आपको चीजें दे सकूं। राइट, बेसिक से ही पढ़ा रहे हैं जी, टेंशन मत लीजिए आप। हाँ जी, ठोक दो सारा कुछ आज ही, अभी के अभी। एनीवे, तो यहाँ पे यार हम रिलेशन की बात करने वाले हैं। रिलेशन आर इन अ सेट ए, मतलब एक सेट ए से दूसरे सेट ए पर जाएंगे सारे के सारे एलिमेंट, सेम ही। एक रिलेशन को आप रिफ्लेक्सिव कब बोलते हो, जब सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका ऑर्डर्ड पेयर सेम वाला ए ए भी रिलेशन में ही जा रहा है। आई थिंक मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ फिर समझाती हूँ। मान लो मेरा सेट है यार 1 2 3, बोलो 1 2 3, ठीक है। अब अगर मैंने बोला मेरा ये रिलेशन है यार ऑन सेट ए या इन सेट ए, अब ये रिलेशन मुझे चेक करना है रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव का मतलब आपने जब ये ऑर्डर्ड पेयर उठाया, 1 1 उठाया, 2 2 उठाया, 3 3 उठाया, यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट में, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ जितने भी सेट में एलिमेंट्स हैं उन सब का ऐसे ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में लाई करने चाहिए। यानी अगर मुझे रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाना है तो ये 1 1 2 2 3 3 लाई करने चाहिए। ये चीज़ समझ में आ गई है मेरे बच्चों को, यस और नो? सिंपल सी बात है, यस और नो, सिंपल सी बात है ना। चलिए, अब इसी तरह अगर मैं सेम रिलेशन की बात करूं, लेकिन इस बारी बात करूं यार कि मुझे बात करनी है आपकी सिमेट्री की। ओके जी, नेहा मैम सिमेट्री की बात कर लेते हैं। सिमेट्री यार हर एक एलिमेंट के लिए नहीं कहता, वो कहता है सिमेट्री हर एक एलिमेंट के लिए नहीं बोलेगा, वो कहेगा कि बॉस अगर तुम एक रिलेशन बना रहे हो जिसके अंदर 1 2 है तो उसके अंदर उसका उल्टा भी होना जरूरी है। आप सबको भी जी हैप्पी छोटी होली। आइए फिर, रंग रंगीले कपड़े पहनते हैं, रंग रंगीले मार्कर उठाते हैं और लग जाते हैं अपने काम पे, ठीक है। 1 2 अगर है तो 2 1 उसका उल्टा होना जरूरी है, राइट। मैं अभी एक रिलेशन लिख रही हूं, मुझे बताओ यार कि ये आपका मैं सिमेट्रिक बोल सकती हूँ रिलेशन या नहीं। ये जो मैंने अभी लिखा है, क्या मैं इसे सिमेट्रिक बोल सकते हो या नहीं? अगर सिमेट्रिक की भाषा ये होती है कि भैया अगर ए बी रिलेशन में लाई कर रहा है तो बी ए भी लाई करेगा, यस और नो है या नहीं है? नो 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 नो, बड़े सारे बच्चों ने नो 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 कर दिया। क्यों क्यों नहीं है भाई? इसलिए नहीं है क्योंकि यार 1 2 का तो 2 1 है, 1 3 का 3 1 किधर है रे, 3 1 किधर है रे, नहीं डाला ना हमने, है ना। और इसका 3 2 का 2 3 किधर है रे, नहीं डाला ना। अच्छा, लेकिन मैंने बोला यार इतना, अभी अगर मैं इतना लिख दूं, ध्यान से देखना, मैंने कुछ एलिमेंट गायब कर दिया, कुछ और डाल दिया, अगर मैं इतना लिख दूं, अब क्या मैं बोल सकती हूँ ये रिलेशन सिमेट्रिक है? अब देखो ध्यान से दोबारा से, पहले तो तुम लोगों ने मना कर दिया मुझे, और पहले तो तुम लोगों ने मना कर दिया, अब बताओ। हाँ जी बिल्कुल सही, अब ये है क्योंकि 1 2 है 2 1 है, 1 3 है 3 1 है। आप बोलोगे 2 3 नहीं है तो मैंने लिखा ही नहीं है, ना 2 3 की बात करी ना 3 2। तो सिमेट्री ना बहुत प्यार से बोलती है कि इफ ए बी, यहाँ पे तो देखो मैंने सिंबल क्या डाला था, फॉर ऑल, हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए। इसके लिए मैं क्या कह रही हूँ, अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए। चलिए अब ट्रांजिटिविटी पे आ जाते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे फिर से बताती हूँ ट्रांजिटिव क्या कहता है, ऐसे सीखते हैं।
कि भैया नेहा मैम को पसंद है, नेहा मैम लव्स बंदर। अरे तुम ही लोग को बोल रही हूँ बंदर, है ना। नेहा मैम लव बंदर्स एंड बंदर लव मैंगोज। भैया मैंगो सीजन स्टार्ट होने वाला है ना, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया जरा बताना, इसको जरा बताना मतलब क्या हो गया। इसका मतलब हो गया नेहा मैम लव्स मैंगोज। समझ में आया, राइट। तो यानी अगर ए बी है एंड बी सी है रिलेशन में, यानी ये जहां खत्म हो रहा है अगला एलिमेंट वहीं शुरू हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब अगर एक्सट्रीम वाले, यानी कि इफ इट इम्प्लाइज कि एक्सट्रीम वाले भी रिलेशन में होंगे तो बात बन गई, तो बात बन गई, है ना। हाँ, ये तुम्हारी तरह ही बंदर है बेटा, राइट। अब ये भी ये नहीं कह रहा कि हर एक एलिमेंट के लिए, उसने कहा भाई तुमने तीन एलिमेंट उठाए सेट से, अगर ए बी और बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए। ये चीज समझ में आ गई। बस इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव। इसी को क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव। तो अगर ए बी है बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए, राइट एवरीवन। अच्छा, और अगर अब आपको किसी को, मैंने ना इसको एकदम ऐसे टेबल फॉर्म में मस्त करके डाल दिया ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। अब बात सुन लो, अगर तुमको यार एक रिलेशन दे दिया और तुमने पता लगाना है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो आपको ये मैंने बता दिया, आप ऐसे ऐसे डेफिनेशन से चेक करते हो। लेकिन अगर नॉट करना है ना, अगर आपको पता लगाना है कि नहीं है, सुन लो ध्यान से, अगर आपको पता लगाना है नहीं है तो आप क्या करोगे, आप हर एक केस में ना एक एग्जाम्पल कोट करके निकल लोगे, हर एक क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल कोट करके निकल लोगे, राइट। अभी क्वेश्चंस पे आ रही हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है। ये क्या कहता है, यानी कि मेरे पास कोई तो एक ऐसा एलिमेंट होगा जो नहीं करा। एग्जाम्पल बोला तो एग्जाम्पल ही ले लेते हैं ना फिर। अरे तो मैं एक ना यार रिलेशन लिख रही हूं, मुझे ना झटपट बता देना तुम लोग कि ये क्या क्या है। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि रिफ्लेक्सिव है क्या ये, यस और नो, क्योंकि इसी तरह के सवाल आपको आने वाले हैं। या तो प्रूव करना होगा या डिसप्रूव करना होगा। डिसप्रूव करना होगा तो एग्जाम्पल दोगे, वो अभी सिखा रही हूँ, सब कुछ सिखा रही हूँ कैसे कैसे लिखना है। कई आप सॉल्यूशन देखोगे, मैंने 100 दिए हैं आपको, ठीक है। यस, बताइए ये रिफ्लेक्सिव है। अरे मुन्ना जल्दी बताने का, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। नो नो, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए कहा था हर एक एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए। अब नो नो लिख दिया, अब पेपर में आएगा तो लिखोगे कैसे, नो मुंह से बोल दिया, रीजन क्या दोगे। रीजन ऐसे दोगे, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों, क्या रीजन है भाई जो तुम नॉट रिफ्लेक्सिव बुला रहे हो इसको, कि देयर एग्जिस्ट टू इन द सेट सच दैट टू टू डज नॉट बिलोंग टू द रिलेशन। चमक गया, कैसे लिखना है समझ में आ गया। अरे बता दो ना, यस और नो, राइट एग्जैक्टली, समझ गया। अच्छा, अब मेरे को सिमेट्रिक चेक करना है कि नहीं है। बच्चों जल्दी से बता दो सिमेट्रिक है या नहीं है, यस और नो, सोच समझ के जवाब देना, सोच समझ के जवाब देना ये सिमेट्रिक है या नहीं। देखो वन वन या उसका उल्टा जो सेम होते हैं उनको तो क्या ही बोलोगे, थ्री थ्री का भी क्या ही बोलोगे। आप इसका देखोगे थ्री टू है तो टू थ्री है, तो इसका आंसर है यस, यस, सिंपल है। रीजन क्या दोगे यार, रीजन देने की कोई जरूरत ही नहीं। आप बोल रहे हो कि यार थ्री टू बिलोंग टू आर कर रहा है तो आर तो टू थ्री भी बिलोंग टू आर कर रहा है। मेरे से आपने वन टू या टू थ्री या थ्री वन की बात ही नहीं करी तो फिर मैं क्यों करूं, है ना। आपने मेरे से पूछा नहीं वन टू लाइक कर रहा है वन थ्री लाइक कर रहा है तो मैं क्यों करूं, है ना। अब आते हैं, बात करते हैं ट्रांजिटिव पे। अब ट्रांजिटिव पे बात करते हैं, तो ट्रांजिटिव के लिए मैं थोड़ी सी इसके साथ छेड़छाड़ कर देती हूं, ठीक है। थोड़ी सी छेड़छाड़ करते हैं हम लोग। ओके ओके, चलिए लेट अस से ये सेट दे रखा है मुझे, आराम से सोचो
कोई मुश्किल पूछो, अरे पूछ रही हूँ मेरी जान, अभी थोड़ा बेसिक से तो पढ़ ले, फिर पूछूंगी ऑब्वियसली, और किससे, तुमसे नहीं पूछूंगी तो और किससे पूछूंगी। चलो ये बताओ, ये ट्रांजिटिव है, यानी वो बंदर वाली सिचुएशन क्या हर एक बंदा सेटिस्फाई कर रहा है मेरा? आराम से देखना, जल्दी कोई नहीं है हमें। उसने बोला, अरे उसने बोला यार हर एक को देखो, 3 2 2 3 है, 3 3 है, अच्छा 3 2 2 1 है, ओ ये देखो। पता है क्या होता है, वो कहते हैं ना कि अब जितनी मर्जी चीज़ें सही कर लो, एक चीज़ गलती कर लो पकड़ी जाती है ना, वो उसी को सारी दुनिया लाइमलाइट दे देती कि यार भाई इसने ये गलती कर दी, बस यही है, यही गलती कर दी। अब आपको देना होगा एग्जाम्पल, हो सकता है आप कोई और एग्जाम्पल सोच लो, मैं कुछ और सोच लूँ, सब चलेगा, एक कोई काउंटर एग्जाम्पल देना होता है। तो कैसे दोगे आप? आप बोलोगे 3 2 बिलोंग्स टू आर, इसके कंटिन्यूएशन वाला 2 1 बिलोंग्स टू आर, बट 3 1 नहीं है, 3 1 नहीं है। समझ में आ गया? थोड़ा सा, थोड़ा सा, हो सकता है आप कोई और एग्जाम्पल सोच रहे हो बेटा, हो सकता है आप सोच रहे हो 1 3 और 3 2 तो 1 2 नहीं है, कोई भी एक एग्जाम्पल चल जाएगा हमें, राइट? वेरी गुड, वेरी गुड, कुछ भी सोच सकते हो आप, ओके। तो यानी ये चीज़ क्लियर हो गई, एंड ये इसका चिंता मत करो, ये तुमको मिलने वाला है, ये तुमको PDF शेयर होने वाला है टेलीग्राम ग्रुप में, तो इसकी चिंता मत करना, ठीक है जी? यस, चलिए बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इक्विवेलेंस रिलेशन भाई साहब क्या होता है, जब वो तीनों के तीनों हो, ऑल थ्री, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। अरे ये तो बहुत सिंपल है, अगर मुझे नॉट इक्विवेलेंस कहना है तो यानी कोई भी एक फेल हो जाए तो वो नॉट इक्विवेलेंस हो जाता है ना, इवन इफ वन फेल्स, राइट, इट इज नॉट इक्विवेलेंस। इवन इफ वन फेल्स इट इज नॉट इक्विवेलेंस, या समझ में आ गया? ये चीज है यार इक्विवेलेंस क्लास। अभी एग्जाम्पल में समझाऊंगी, तनिक वेट कीजिए। इक्विवेलेंस क्लास वो क्या कहती है कि यार सेट के ए के ऐसे एलिमेंट, सबसे पहली बात तो इक्विवेलेंस क्लास बनानी है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, राइट? इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। और उसने कहा, अगर आपने इसका बोला तो उसको कहो कि वैसे सारे एलिमेंट इसके अंदर आएंगे, ऐसे सारे एलिमेंट जो इसके साथ सबसेट बनाए, कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड, यानी जो आपका मेन सेट है ए, उसके वो सारे एलिमेंट जो इसके साथ एक सबसेट बनाए, जो इसके रिलेशन को सेटिस्फाई करे। नहीं समझ में आया? नहीं, हम एग्जाम्पल दो तो मैं आपको ना बोर्ड का ही क्वेश्चन देती हूँ, रुको जरा। ये गया कंट्रोल एफ, ये गया आपका क्लास, ठीक है, आ जाओ। तो मैं आपका ना यार बोर्ड का ही क्वेश्चन लेके यहाँ पे समझाती हूँ, आ जाओ। हाँ जी, तो भाई देख लो, एक क्वेश्चन आया तुम्हारे सामने, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स। समझ लो, यानी यार जेड के अंदर हम सारी डीलिंग करने वाले हैं, अब समझ लो, क्वेश्चन चाह रहे थे ना, आ गया। आर को आपने ना ऐसे डिफाइन किया है, ठीक है, शो दैट द रिलेशन इज ट्रांजिटिव, राइट, शो दैट द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो कैसे करने वाले हो इसे, क्या आप इसको ट्रांजिटिव शो कर सकते हो, क्या आप इसको ट्रांजिटिव शो कर सकते हो? हाँ, नहीं, हाँ, मैम कोई टेंशन नहीं है, कैसे करोगे अब सीखो, है ना, स्टेप्स लिखने सीखो। अभी हम कोई 1 2 3 3 4 5 नहीं लेते, जब हम प्रूव कर रहे होते हैं हम ABC के साथ अपना काम चलाते हैं, राइट? तो हम बोल रहे हैं ए, लेट AB एंड BC बिलोंग टू R। इसका क्या मतलब है? 2 divides A - B, इसका मतलब है A - B को 2 डिवाइड कर रहा है, तो मैं इसको बोल सकती हूँ 2 times M, क्योंकि उसने बोला 2 divides A - B, तो आई कैन से दिस इंप्लाइज A - B इज 2 times M, यहाँ पे M यार कोई भी इंटीजर है। अब BC बिलोंग्स टू R का मतलब B - C इज सम टू N, N बिलोंग्स टू Z, समझ में आ रहा है लिखना कैसे है? अब मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है यार AC शुड बिलोंग टू R, यानी A - C शुड बिलोंग टू R। ये चीज समझी कि नहीं? A - C
टू शुड डिवाइड दैट. मैं कैसे करूं यार? एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो भाई बी बी कट जाएगा अपना. ए माइनस सी इज टू टाइम्स एम प्लस एन. ऑब्वियसली अगर m और n इंटीजर है, m प्लस n भी इंटीजर है, तो मैं बोल सकती हूँ यानी कि 2 डिवाइड्स a माइनस सी, यानी कि दिस इम्प्लाइज क्या ए सी बिलोंग्स टू r. खत्म कहानी. इतना समझ में आ गया? हाँ या ना इन द चैट्स, हाँ या ना इन द चैट्स. वैसे अगर आप इसको इसको चलो अभी अगर लिखा नहीं है, पर अगर मैं आपको बोलूँ इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करो. क्वेश्चन में नहीं लिखा, कोई बात नहीं, रिफ्लेक्सिव है क्या ये बताओ जरा मुझे. ये मैं कह सकती हूँ रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल कह सकते हो. नेहा मैम क्यों नहीं कह सकते? कैसे? ए ए कोई भी एक एलिमेंट है विल बिलोंग टू आर. कैसे? क्योंकि यार टू डिवाइड ए माइनस ए, ए माइनस ए क्या होता है? टू डिवाइड जीरो, टू डिवाइड्स जीरो. ऐसा कह सकते हैं क्या हम? ट्रू होगा कि नहीं होगा? टू डिवाइड जीरो, समझो इसका मतलब क्या है. ए माइनस बी बाय टू, टू डिवाइड जीरो यानी जीरो इज डिविजिबल बाय टू. ऑब्वियसली हाँ, यस है. वैसे पूछ रही हूँ, क्वेश्चन में नहीं पूछा क्या ये सिमेट्रिक है? है बेटा, वैसे पूछ रही हूँ, क्वेश्चन में नहीं पूछा क्या ये सिमेट्रिक है? बता दो जरा मुझे एक बारी. मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स तुमने देखा कि नहीं, जो हमने रात को फोड़ फाड़ मचाई है ना भाई साहब? रात रात में ही वो 65,000 व्यूज क्रॉस कर चुकी है. नहीं देखी तो जाके देखो. सिमेट्रिक होगी, यानी कि अगर मैं कह रही हूं कि ए माइनस बी, ध्यान से सुनना, सिमेट्रिक लिखना सीखो चीजों को. ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है? इसका मतलब यही है ना कि ए माइनस बी इज 2m, जहाँ m एक इंटीजर है. लेकिन वो ये अगर मैं इसको b माइनस ए बोलूँ तो वो माइनस टू एम होगा. तो भाई ये भी तो इंटीजर है, माइनस m भी तो इंटीजर है. अगर m इंटीजर है तो माइनस m भी इंटीजर है. मैंने नेचुरल नंबर थोड़ी ना बोला है. तो इसका मतलब b a विल बिलोंग टू r. पूछा नहीं है लेकिन हमने प्रूव कर दिया कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है. ये चीज़ समझ में आई? यस और नो? ये चीज समझ में आ गई सबको? अरे हाँ या ना? यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. हो गया ना ये? अरे मुझे पता है बच्चे कह रहे हैं इक्विवेलेंस क्लास पूछा है, अब उसी पे आ रही हूं. पहले इक्विवेलेंस रिलेशन तुम्हें पढ़ा दिया. क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तभी इक्विवेलेंस क्लास की बात होगी. एक बार यार ये पेपर में आ गया था जब पहले 2015 या 16 में, तो मोस्टली बच्चों को लगा कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया. भाई एनसीईआरटी खोल के देखो. जो बच्चे नो बोल रहे हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो? सिमिट्री ए बी अगर आर में है, मैंने बोला ए माइनस बी इज इक्वल टू 6, तो बी माइनस ए माइनस 6 हो जाएगा. तो भाई डिविजिबल तो हुआ ना, तब भी 2 से है ना. चलिए ठीक है, अब आते हैं आपके मेन मुद्दे पे कि इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालनी है. किसकी? जीरो की. अच्छा, तो यानी इन दोनों में से एक एलिमेंट आपके लिए फिक्स हो गया. अब इसको पढ़ो. इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो मतलब सारे ऐसे, मैंने एक एलिमेंट ए ले लिया, बी को जीरो ले लिया, ए जीरो मस्ट बिलोंग टू आर, यानी कि ए माइनस जीरो शुड बी इक्वल टू 2m, यानी a जो है ये होना चाहिए, वेयर m कैन बी एनी इंटीजर. तो अगर आप इक्विवेलेंस, इसका मतलब क्या हुआ? सारे इवन नंबर होने चाहिए. यानी आप कैसे लिखोगे? किसी से भी शुरू कर दो. माइनस 6, माइनस 4, माइनस 2, 0, 2, 4. अब भैया उसने इनफाइनाइट सेट दे दिया तो आपको भी लिख के थोड़ा बहुत और छोड़ देना पड़ेगा. ये इक्विवेलेंस, अरे देखो यहाँ पे बच्चे यही गलती करते हैं. गलती अलर्ट, गलती अलर्ट. बच्चे इसमें नेगेटिव वैल्यूज देना भूल जाते हैं. क्यों? वो तो बोल रहा है इंटीजर्स, इंटीजर्स तो नेगेटिव भी होते हैं. यस और नो? अरे गलती अलर्ट समझे कि नहीं समझे? राइट, दैट्स इट गाइस, डन.
राइट. तो आई होप मुझे लिखना आ गया है इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे करते हैं, ये चमक गया है. राइट, एंड इक्विवेलेंस क्लास भी समझ में आ गई है. वन मोर एग्जांपल अभी आएंगे ना. अरे अभी आगे आ रहे हैं, टेंशन नहीं लो. चलिए, ये क्या आ गया भाई, ये दो अंडे काहे बना दिए. अच्छा, एक फंक्शन क्या होता है, बस आपको रिलेशंस में यही पूछा जाएगा और कुछ नहीं है. अभी क्वेश्चंस पे आऊँगी, ठीक है. वन मोर एग्जांपल अभी दे रही हूँ, आगे आऊँगी बताती हूँ. फंक्शन, ये फंक्शन होता क्या है आखिर, कोई मुझे बता सकता है ये फंक्शन होता क्या है भाई? और लाइक कर रहे हैं कि नहीं यार बच्चे, ये ऐसे नहीं चलेगा. 2000 से ज़्यादा बच्चे लाइव देख रहे हैं, उतने लाइक तो करो कम से कम. आगे नहीं बढ़ रही फिर मैं, ऐसे थोड़ा ना होता, तुम तो चीटिंग कर रहे हो मेरे साथ. चलो, फंक्शन को याद करने की ये ट्रिक होती है. फंक्शन वैसे कहता क्या है कि सेट ए से सेट बी, एक फंक्शन कहलाता है सेट ए से सेट बी. राइट, कब? व्हेन एवरी एलिमेंट इन ए इज एसोसिएटेड टू सम एलिमेंट इन बी. ठीक है, एवरी एलिमेंट इन ए इज एसोसिएटेड टू सम एलिमेंट इन बी. दिस एसोसिएशन इज यूनिक. अब उसी को हम इस ट्रिक से पढ़ते हैं कि हाँ, अरे अभी आ रही हूँ. देखो, एक दो तीन चार, सपोज ये पांच बच्चे हैं एंड छह वुमेन हैं. ओके, अब फंक्शन तभी होगा जब हर एक, और फंक्शन को आप मान लो मदर, या आप कर लो कि चाइल्ड ऑफ कर दो. यार ये तो समझो ना, हर एक बच्चे की कोई ना कोई मम्मी तो होगी. तो अब इसी डेफिनेशन को ऐसे पढ़ो, हर बच्चे की एक मम्मी होगी और सिर्फ एक ही होगी. इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इसको यार किसी, मेरे को इसको एसोसिएट करना पड़ेगा और यूनिकली करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि ये बोल रही है भैया ये भी मेरी मम्मी और ये भी मेरी मम्मी. समझ में आ रहा है, ये भी मेरी मम्मी और वो ये भी मेरी मम्मी. ऐसे तो बड़ा तो बेटा फ्लाइंग चप्पल आएगी फिर. समझ में आ रहा है? अच्छा, तो इसका मतलब हर एक बच्चा कनेक्टेड होगा और यूनिकली कनेक्टेड होगा. यानी मैं किसी को भी, अच्छा ऐसे हो सकता है क्या, ये दोनों के दोनों एक ही के पास जा सकते हैं क्या? बिल्कुल जा सकते हैं यार, दो बच्चे बिल्कुल एक के पास जा सकते हैं. क्यों भाई, तुम्हारे भाई बहन है ना, बस समझ जाओ. राइट, उसी तरह से लेट्स से इसको मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, इसको मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, इसको मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया. लेकिन अब आप बोलोगे नेहा मैम आपने दो तो ये अंटर पंटर छोड़ दिए, है ना, दो तो आपने छोड़ दिए यहाँ पे. कोई बात नहीं, और भाई विमेन तो ऐसी हो सकती हैं ना जो मम्मी नहीं है, लेकिन बच्चा नहीं ऐसा हो सकता ना कि जिसकी मम्मी नहीं है. समझ में आया? तो ये सिर्फ एक याद करने का तरीका है. अब आइए मैथमेटिकल भाषा में बात करेंगे. Every element in the first set is connected to some element in the second set and this connection is unique. ठीक है, चलो. तो ये था थोड़ा सा क्लास 11th का सीन. अब आ जाओ क्लास 12th में. भाई सवाल कहाँ से पूछा जाएगा, सवाल कहाँ से पूछा जाएगा, सवाल कहाँ से पूछा जाएगा वो मैं अभी बता रही हूँ. बट आई वॉन्ट टू सी 2000 लाइक्स. जल्दी जल्दी क्लास नोट्स बेटा आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, अ फंक्शन ए टू बी सेट टू बी 1 1, 1 1 बोल सकते हो या इसको इंजेक्टिव बोल सकते हो. राइट, इफ ऑल एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेज. भैया सिंपल सा फंडा है. देखो मैथमेटिकली ऐसे प्रूव करोगे, प्रूव ऐसे करोगे. राइट, अदरवाइज इट इज मेनी टू वन फंक्शन. कहना क्या चाहते हो नेहा मैम? अरे भाई कहना क्या चाहते हो, सिंपल सी बात है, दो सेट है तो यार इसके माँ बाप ने पॉलिसी अपनाई है कि भाई हम एक, हमारा एक, दूसरा बच्चा किसी और के पास जाएगा. ठीक है, समझ में आ रहा है? हम एक, हमारा एक, यानी यहां आपने एक एलिमेंट लिया उसको किसी से कनेक्ट किया, अब आप डिफरेंट एलिमेंट ले रहे हो किसी और से कनेक्ट कर रहे हो, अब आप तीसरा एलिमेंट ले रहे हो किसी और से कनेक्ट कर रहे हो. यानी 1 to 1, एक के लिए एक, एक पे एक, एक पे एक, एक पे एक. समझ गए?
या एंड अगर दो या उससे ज्यादा हो जाएं, टू और मोर एलिमेंट्स गो टू द सेम इमेज उसे कहते हैं मेनी टू वन फंक्शन. ठीक है, अब प्रूविंग कैसे है देखो. नॉर्मली तो क्या होता है, अगर दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं सेट ए में तो उनकी इमेज डिफरेंट होगी. इसको प्रूव करने की जगह हम ऐसे प्रूव करेंगे. अभी आर यू कैसे करेंगे, पहले दूसरी चीज पढ़ लो. ऑन टू बेटा, ऑन टू बेटा, ऑन टू. अच्छा बेटा मोंटू है, बेटा मोंटू सुन ले. अब आ गया ऑन टू. अ फंक्शन एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी ऑन टू या सर्जेक्टिव. ऑन टू या सर्जेक्टिव जब कोई भी सेट बी का एलिमेंट नहीं बचेगा जो एसोसिएटेड ना हो. यानी के ऐसे सुन लो, एवरी फॉर एवरी एलिमेंट इन बी देयर इज अ प्री इमेज इन ए. यानी के बेटा ध्यान से सुनना अब, ठीक है, ध्यान से सुनना अब. इज दिस ऑन टू, क्या मैं इसे ऑन टू कह सकती हूं, यस ऑर नो? जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से. नहीं, दिस इज नॉट ऑन टू. क्यों? क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा बचा है. अब यहां पे हल्का सा तुमको रेंज डोमेन के कॉन्सेप्ट को वापस लेके आ रही हूं. मान लो इनका नाम है एबीसीडी और इनका नाम है 1 2 3 4. ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है ये फंक्शन है, रेंज क्या है, तो आप बोलोगे यार जो भी कनेक्टेड था 1 2 3 वो रेंज है. कोडोमेन पूरा, जैसे सेट ए पूरा डोमेन होता है, सेट बी पूरा कोडोमेन होता है. तो अगर रेंज इक्वल टू कोडोमेन नहीं है, इट इज नॉट ऑन टू. रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन. एक्स्ट्रा एक छूट गया ना, तो दिस इज नॉट ऑन टू. ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इनटू. समझे बेटा पिंटू, जो नहीं है ऑन टू वो है इनटू. समझ गए? ओके, यानी कि इसको मैं अब भाषा में लिखूं एफ ए से बी, तो वो कह रहा है यार हर एक एलिमेंट फॉर बी के मुझे कम से कम एक ऐसा ए मिलेगा ताकि एफ एक्स इक्वल टू वाई हो जाए. समझ रहे हो? उसके कहने का मतलब है ऑन टू तभी होगा कि मैं यार सेट बी से कोई भी रैंडम एलिमेंट उठाऊं, वो कनेक्टेड हो किसी ना किसी के साथ. राइट, अब यहां पे समझ लीजिए ऐसा. ये भी मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी लिख के रखा है ताकि तुम्हें जब नोट्स मिले तो आसानी हो रिविजन करने में. वन टू वन प्रूव कैसे करना है, नॉट वन टू वन मतलब मैनी टू वन कैसे प्रूव करना है. राइट, ऐसे ही ऑन टू है तो नॉट ऑन टू यानी कि इन टू कैसा प्रूव करना है. राइट, ये क्या कह रहा है, कैसे कि यार अगर मान लो मेरा ऐसा फंक्शन जा रहा है एक्स से वाई, तो एक्स वन एंड एक्स टू आप दो अलग एलिमेंट्स लोगे. राइट, एक्स वन एंड एक्स टू, और आप बोलोगे कि अगर इमेज इनकी सेम है यानी एलिमेंट ही सेम होगा. अब इसके बाद क्वेश्चंस पे ही आऊंगी, इसके बाद क्वेश्चंस पे ही आऊंगी. एंड अगर आपने कहा मैनी टू वन है तो आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो, आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो कि नहीं नहीं एक एलिमेंट जैसे जैसे है ना. नहीं नहीं हाँ मैम हमें समझ नहीं आया एग्जाम्पल, आप दो पहले, आप दो. अच्छा, तो मैंने एक फंक्शन लिखा है मान लो, ठीक है, ओके, सेट ए मान लो मेरा 1 2 3 है, सेट बी मान लो मेरा 3 4 5 है. ठीक है, तो मैं अभी कुछ लिख रही हूं. हाँ, अब बहुत ध्यान से देखो इसको, बहुत ध्यान से. आपको लगता है, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये 1 2 1 है, ये 1 2 1 है भाई. सबसे पहले तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो फंक्शन ही नहीं है, 2 4 पे भी जा रहा है, 5 पे भी जा रहा है. समझ रहे हो? चलो मैं थोड़ा सा इसको अब बदलती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसको बदलती हूँ. अभी क्या लिखूँ मैं, ओके चलिए, इज इट 1 2 1?
इज इट 1-to-1? क्या लगता है कि नहीं है? नहीं है. क्यों? क्योंकि उल्टा उल्टा लिख दिया है. रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक मिनट, उल्टा लिख दिया है. दोबारा से पूछती हूँ मैं, फंक्शन के एग्जांपल पे आ गई. मुझे 1-to-1 में फंक्शन तो होना ही पड़ेगा उसे, ठीक है. सो मैं बोल रही हूँ 1-3 पे जा रहा है, मैं बोल रही हूँ 2-5 पे जा रहा है, मैं बोल रही हूँ 3-5 पे जा रहा है, एंड हमारी सभा समाप्त हो रही है. अब बताओ. हाँ भाई, वो आपने शेड्यूल लगा दिया था सर? हाँ जी. ठीक है, मैं एक बार रिफ्रेश करके देख लेती हूँ. 12 स्लाइड पे था लगभग. ठीक है ठीक है. हाँ अच्छा, मैंने एक पोल लगाया है. ठीक है, जेई के बच्चों के लिए खासकर, क्योंकि बच्चे फिर बहुत सारे कमेंट्स कर करके परेशान करते हैं कि हैंडरिटन नोट्स नहीं मिल रहे, ये नहीं हो रहा. अच्छा, ये इसका रिमोट दे दो, ये तो चलता नहीं, बाहर रख दिया क्या? ओके. नहीं है. क्यों? क्योंकि 2 भी आपका 5 पे जा रहा है. सिचुएशन समझो, 2 भी आपका 5 पे जा रहा है, 3 भी आपका 5 पे जा रहा है. अरे ये तो मैनी टू वन हो गया ना, समझ गए? वेरी गुड. अब ऑन टू, आपको दिखाना पड़ेगा कि हर एक एलिमेंट y के लिए x में लाए करेगा, सच दैट fx इक्वल टू y है. और इन टू मतलब आप एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ सकते हो जो ये सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, राइट? एग्जाम्पल्स पे भी आते हैं. पहले इन शक्लों को देख के बताओ, वन वाला यार क्या कह सकते हो? वन वन है, ऑन टू है, क्या लग रहा है, क्या है और क्या नहीं है? लिखो जरा चैट सेक्शन में, क्या लग रहा है? वन वन है, ऑन टू है, व्हाट इज द सिचुएशन? आप बोलोगे यार ये इस पे जा रहा है, इस पे जा रहा है. हाँ जी यार, ये वन वन तो है लेकिन ऑन टू नहीं है. क्यों? क्योंकि एक बंदा छूट गया है हमारा, करेक्ट? हाँ, वन वन इन टू कह सकते हो, बिल्कुल ठीक. सेकंड वाला, सेकंड वाला बताओ बताओ. सेकंड वाला नहीं, सेकंड वाला यार ऑन टू तो है बट नॉट वन वन, क्योंकि दोनों ही प्राणी इसी पे जा रहे हैं. ठीक है, समझ में आ गया सेकंड वाला? थर्ड वाला थोड़ा सा ग्राफिकली आपके दिमाग में इसलिए चमका रही हूँ ताकि क्लैरिटी आ जाए, ताकि क्लैरिटी अपनी बनी रहे. एंड आज ना इन्वर्स ट्रिक को ऐसी धुआंधार धड़ाकेदार ट्रिक्स के साथ बताने वाली हूँ ना, ही बता रही हूँ तुम्हें फिर. हाँ जी, लास्ट वाले पे आ जाओ. ये दोनों हैं, ये दोनों हैं, ये भी जा रहा है, वन वन एंड ऑन टू. लास्ट वाला दोनों है ना, लास्ट वाला दोनों है. जब दोनों होता है यानी कि फंक्शन इंजेक्टिव भी है, सरजेक्टिव भी है, ऐसे फंक्शन को आप कहते हो बायजेक्टिव फंक्शन. इसके आगे नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि बायजेक्टिव फंक्शन का इन्वर्स निकलता है और इन्वर्स तुम्हारे सिलेबस से भी निकल गया है, ठीक है? तो बस हमें इतना पता होना चाहिए, राइट? तो ये सिर्फ एक ग्राफिकली बता रही थी. अब क्वेश्चंस पे आ जाओ. आर यू रेडी? रेडी रेडी रेडी. तो जितने बच्चे लाइव हैं फटाफट से लाइक कर देने का, जल्दी से जल्दी, अभी के अभी. नेहा मैम, बच्चे बोलते हैं कि भाई नेहा मैम आप लाइक क्यों कराते रहते हो? अरे बेटा यही गुरु दक्षिणा है मेरी, यही गुरु दक्षिणा है मेरी, ठीक है? चलो आ जाओ, फटाफट से आ जाओ, लेट्स गेट स्टार्टेड. क्या लगता है? आपसे पूछा है इफ R इज अ रिलेशन डिफाइंड ऑन N यानी नेचुरल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. यार खुद से देखो, x ग्रेटर देन x तो हो नहीं सकता, है ना? आपने सेम लेना होता है. x प्लस x इज इक्वल टू 10, x प्लस x इक्वल टू 10, तो उससे कैसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन रहा है? सोच के देखो, है ना? एक्स वाई इज द स्क्वायर नंबर वेयर x एंड y आर नेचुरल नंबर्स. एक्स वाई यानी कि एक्स एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर इज अ नेचुरल नंबर. हाँ जी, सी वाला करेक्ट है, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, है ना? खत्म है ये तो, खत्म है ये तो. यहां पे जो बच्चे कह रहे हैं ना, देखो x प्लस एक्स
यानी 2x, यार वो हमेशा थोड़ी ना 10 के बराबर होगा, वो तो सिर्फ तब बराबर होगा. कुछ बच्चे b कह रहे हैं, आपको बता दूं b क्यों नहीं हो सकता. b कह रहा है 2x is equal to 10, यानी हमेशा x equal to 5 होगा. मतलब सिर्फ 5-5 ही लाइक कर रहे हैं और बाकियों का क्या, 1-1 किधर है, 2-2 किधर है, 3-3 किधर है, 4-4 किधर है. वो बोल रहे हैं हम गधे हैं, हम क्यों नहीं आ सकते. रिफ्लेक्सिव है तो सबके लिए हो, समझ गए, इसलिए सी है. ओके नाइस, नेक्स्ट पे चलिए 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 सब पे चलिए. कम ऑन माय आर्मी, चेक वेदर दिस रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, या कुछ भी नहीं. तो रिफ्लेक्सिव है आपको पता है तो प्रूव कर दो, नहीं है तो एग्जाम्पल दे दो, है तो प्रूव कर दो, नहीं है तो एग्जाम्पल दे दो. अच्छा तो रिफ्लेक्सिव मतलब क्या, मैं बोल सकती हूँ ए ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए इज इक्वल टू ए प्लस वन है. ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, ए कट जाएंगे, वन इक्वल टू जीरो आ जाएगा. आप चाहो तो कोई एग्जाम्पल दे दो. आप बोलो यार वन बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, लेकिन वन इज इक्वल टू वन प्लस वन, ये कहाँ की समझदारी है, ये कहाँ की समझदारी है. सो नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है. आप एक एग्जाम्पल दे दिया, अच्छा सिमेट्रिक है, नहीं यार सिमेट्रिक कैसे हो सकता है, खुद से सोचो. आप एग्जाम्पल लो 1-2 तो आर को लाई करेगा, क्यों, सिंस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, बट 2-1 लाई नहीं करेगा. क्यों 2-1 क्यों नहीं लाई करेगा, 1 इज नॉट इक्वल टू 2 प्लस 1. अजी समझे, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, तो सिर्फ रिफ्लेक्सिव भी नहीं, सिमेट्रिक भी नहीं, ट्रांजिटिव है क्या, ट्रांजिटिव है क्या, चेक कर लें क्या क्या कह रहा है वो. उसने बोला यार 1-2 बिलोंग टू आर है, 2-3 बिलोंग टू आर है, समझ रहे हो ना, क्योंकि 2 को आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस 1, 3 को आप क्या लिख सकते हो 2 प्लस 1, बट 1-3 डज नॉट बिलोंग टू आर, यानी कि क्यों नहीं, 3 को यार 1 प्लस 1 थोड़ी ना लिखोगे. तो ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, राइट. ओके चलिए मैडम मोंटू बताओ क्या होगा इसका आंसर. चलो चलो एवरीबडी इसका आंसर बताओ क्या होने वाला है. समझ में आ रहा है ना सबको, कोई जल्दी तो नहीं कर रहे हम. चलिए एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x फॉर x बिलोंगिंग टू r, देन f इज क्या. देखो जेई के बच्चे होते तो शॉर्टकट दे देती, यहाँ शॉर्टकट नहीं दे सकती, यहाँ लॉन्ग रूट ही लेना पड़ेगा. तो आप 1-1 कैसे प्रूव करते हो, पहले तो ये सीखो, ठीक है. यहाँ से लेते हो, आप बोलोगे x1 x2 बिलोंग टू r, सच दैट मान लो fx1 इज इक्वल टू fx2, मान लो. अच्छा फिर आप बोलोगे 1/x1 इक्वल टू 1/x2, यानी x1 इक्वल टू x2. मैं आपको बता रही हूँ गलती अलर्ट, मैं आपको बता रही हूँ इस क्वेश्चन का गलती अलर्ट. ये कर दोगे और फिर बोलोगे ये तो 1-1 है. ये पता है क्या, कुछ भी नहीं है. हाँ कई बच्चे इसको बाइजेक्टिव भी बुला रहे हैं, क्योंकि आप बोल रहे हो यार y, आप मैं बताती हूँ ऑन टू कैसे कर रहे हो, आप बोल रहे हो y बिलोंग टू r, तो 1/x इज इक्वल टू y, यानी x इज 1/y, तो आप ऑन टू भी बुला दोगे, ये भी गलत है. कई बच्चे इसका आंसर सी देंगे, क्या गलती है, कोई बता सकता है मुझे. नहीं हम सब काटे ही चले जा रहे हो, काटे ही चले जा रहे हो. कैसे इसका आंसर नॉट डिफाइंड है, कैसे ट्रिक क्वेश्चन मारा है. सॉरी ट्रिक क्वेश्चन मारा है, एफ एक्स इक्वल टू 1/x. अरे भाई उसने रेंज, उसने क्या बोला है, ये डिफाइंड कहाँ है. मैं x को जीरो कर दूँ तो इसका तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, 1/0 तो डिफाइंड ही नहीं है. तो इसको कह रहे हैं उल्लू बनाया सवाल ने. तो यहाँ पे मैंने डाला है गलती अलर्ट कि ये गलती मत करना भाई, ये गलती मत करना, ये कुछ नहीं है. यस और नो, समझ गए राइट. चलिए ओके नेक्स्ट पे आते हैं. ओके नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस.
आर बी अ रिलेशन इन सेट बी गिवन बाय ए इज इक्वल टू बी माइनस टू एंड बी इज ग्रेटर देन सिक्स, देन आर में क्या लाई कर सकता है? देखो सबसे पहले इन सबका डिफरेंस देख लो, ए शुड बी इक्वल टू बी माइनस टू, इनका डिफरेंस तो फिर भी टू है, इनका तो डिफरेंस है ही नहीं टू, इनका डिफरेंस फिर भी टू है, इनका डिफरेंस है ही नहीं टू, अब अपने आप देख लो क्या सेटिस्फाई कर रहा है, सिंपल सी चीज़ है यार, देखो बी वाला बड़ा है, ग्रेटर देन सिक्स है, इसमें एक ही है जो ग्रेटर देन सिक्स है, खत्म, कुछ है ही नहीं, घर जाओ। अरे घर जाओ नहीं, हाँ मैम हम घर पर ही बैठ के देख रहे हैं, है ना, दैट्स इट, हैप्पी होली जी, हैप्पी होली। तो कल बता देना जब हम होली पे क्लास करेंगे कि कौन सा रंग पहन के आऊं, वही रंग पहन के आ जाएंगे आप, देखो आज आज ये पिंक पिंक तो पहन ही लिया है, कल येल्लो येल्लो डर्टी फेल्लो पहना था, कल बता दो या आज शाम के सेशन में बता दो। चलो आओ, रिलेशन आर इन द सेट ए इज डिफाइंड एज ऐसा ऐसा ऐसा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर इन आर शैल बी रिमूव्ड, देख रहा है विनोद, रिमूव करने को कह रहा है, टू मेक इट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी एक कुछ आप हटाओगे यानी इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। ये तो मुझे गेम याद आ गई कि यार वो कहते थे ना माचिस की तीलियां लगाई हुई हैं और कौन एक स्टिक हटाओ और ये नंबर बन जाएगा। चलो हाँ यही है, देखो इसकी जगह कितनी जल्दी मेरे को कितनी जल्दी जल्दी जवाब मिल रहा है मुझे, ये पहन लो वो पहन लो, हैं अरे पढ़ लो, ये नहीं है MCQ, चलो आओ। हाँ किसको हटाऊं? देखो आपको इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है तो 1 1 2 2 3 3 को तो आपको रखना ही पड़ेगा, तो हटेगा कौन ये है? मैं सोचूं मैं ब्लैक ही पहन लेती हूँ, सारे उसी में समा जाएंगे, ठीक है एब्जॉर्ब कर लेगा वो सबको। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, फालतू बात हमने बहुत कर ली है। ओके फंक्शन ऐसे ऐसे डिफाइंड है, मैथमेटिकल इंडक्शन बेटा ऐसा कुछ नहीं आ रहा, ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा। चलिए यहां पे बात करते हैं झटपट से। अब देखो अब ये वैसे तो डिफाइंड है, x³ है, तो अब आपने 1 1 चेक करना है तो कैसे करोगे? आप बोलोगे लेट x1 x2 बिलोंग टू R, ठीक है, सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2, यानी कि x³ इज इक्वल टू x²। अब भाई रियल है, अब यहाँ पे कुछ नेगेटिव तो होएगा नहीं, है ना, रियल रियल में खेल रहे हैं, नेगेटिव तो कुछ होगा नहीं, तो 1 to 1 तो पक्का होगा, तो जो कह रहा है नहीं है उसको काट दो। आपका आंसर ए या डी में से ही होने वाला है। हाँ साड़ी पहनेंगी पढ़ाऊंगी कैसे फिर, अब पढ़ा सकते हैं बट फिर भी ओके। ओके ऑन टू में क्या करूं? आप बोलो लेट वाई बिलोंग टू आर, आर कौन सा, ये वाला को डोमेन, हाँ देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग टू आर विच शुड बी फ्रॉम द डोमेन सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई, यानी कि x³ शुड बी इक्वल टू वाई, यानी कि एक्स इज वाई रेज टू पावर 1/3। यस समझ में आ गया, समझ में आ गया, बस यही करना था। एंड ये तो यार आर में लाइक करेगा ही ना, क्योंकि आर तो भैया रियल नंबर है, उसके अंदर तो क्यूब रूट स्क्वायर रूट ये वो कुछ भी कर सकते हो, राइट तो ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू बोथ है, यानी कि पूछा होता तो वाई एडजेक्टिव भी कर सकते थे, राइट सुपर। ओके चलिए ये तो याद ही होगा, 12th के सारे सेशंस देखने के लिए यू कैन क्लिक ऑन दिस, राइट एंड 11th के सारे सॉरी एंड JEE के सारे सेशंस के लिए यू कैन फाइंड दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके आ जाओ, हाँ जी क्या किया जाए यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है इसे ध्यान से सुनते हैं। सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, एंड लेट ये भी द फंक्शन, तो फंक्शन भी देख लो यार खूबसूरत सा, फ्रॉम ए टू बी बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन एफ इज बेस्ट डिफाइंड एज, मतलब एफ क्या है, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू फंक्शन है, इंजेक्टिव मतलब 1 to 1, बाइजेक्टिव मतलब दोनों, या सिर्फ एक फंक्शन है, इनमें से और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको सिर्फ देखना है, आप देखोगे 1 2 3
वन जा रहा है फोर पे, टू जा रहा है फाइव पे, थ्री जा रहा है सिक्स पे, सब डिफरेंट डिफरेंट पे जा रहे हैं. सो वन टू फाइव, सो वन वन फंक्शन है. ऑन टू है? नहीं बेटा, मोन टू, क्योंकि ये सेवन छूट रहा है. अब आप इसको कैसे लिखने वाले हो, है ना? इसका आंसर बी है. यस yes. तो बी तो सही है. यहां पे क्या है, सेवन बिलोंग्स टू बी, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ए बिलोंगिंग टू ए. तो फर्स्ट सेट की मैं बोलूं एफ ऑफ ए सेवन है, सेवन किसी से रिलेटेड ही नहीं है. वैसे तो ये वन मार्क का क्वेश्चन है, आप खाली मार्क करके भी आओगे तो चलेगा, लेकिन मैं आपको वैसे बता रही हूं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. छुट्टू सा सवाल था, उड़ गया. चलिए बच्चों, हाँ जी, अब यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला करवाने वाली हूँ जो पहले नहीं करवाया था. तो मैंने बोला ना, कई सारी चीज़ें मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ कराऊंगी. ये कौन सा बच्चा है जो कह रहा है माइनस वन क्यूब भी वन होता है? अरे ऐसा कब से होने लग गया भाई, वन क्यूब माइनस वन क्यूब वन कब से हो जाएगा? ये कैसी बात कर दी तुमने? How many reflexive relations are possible in a set whose number of elements in set A is 3? How many reflexive relations? Okay. इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला सुन लो, ध्यान से रट लो, याद कर लो. क्या नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होते हैं? 2 raised to power n square minus n. लिख लो बड़ा बड़ा घर की दीवारों पे. नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, n क्या है यार? n मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसके अंदर. नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो आप क्या करोगे, 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3. सो 2 रेज टू पावर 9 माइनस 3, दैट इज 6. यस ऑर नो? दैट्स इट, खत्म. चलिए लेट्स सी दिस. एग्जाम्पलर का सवाल है, एग्जाम्पलर का सवाल नहीं, सवाल है. लेट टी बी द सेट ऑफ ट्राइंगल्स इन द यूक्लिडियन प्लेन. अरे यार, इन द प्लेन, ठीक है. लेट आर बी अ रिलेशन ऑन टी बी डिफाइंड एज ए आर बी. ए आर बी का मतलब सेम होता है कि यार ए बी बिलोंग्स टू आर. तो उसने रिलेशन कैसे डिफाइन किया कि भैया वो सारे ए बी आएंगे सच दैट ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी. ये सारे ट्राइंगल्स हैं. आपका रिलेशन ऐसे डिफाइंड है, तो अब इसको क्या कहोगे? ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है ऑब्वियसली. मतलब एक ट्रायंगल अपने आप से तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही ना, बहुत ही अजीब बात है लेकिन होगा ही ना. फॉर ऑल ए बिलोंग टू टी, ठीक है. अच्छा तो यार रिफ्लेक्सिव तो है जी, ये सिमिट्री पे आ जाओ. ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, विच मीन्स ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, राइट. तो यार अगर ए कॉन्ग्रुएंट टू बी है तो भाई बी भी तो कॉन्ग्रुएंट टू ए हुआ, है ना. मैं बोलूँ मेरा ये हाथ ना इस हाथ के कॉन्ग्रुएंट है, पर मैं बोलूँ नहीं यार ये हाथ भी तो इस हाथ के कॉन्ग्रुएंट है, बजाओ ताली, वेरी गुड. ओके सो दैट्स इट, दिस मीन्स बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर. अच्छा अभी हम क्या देखेंगे, ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव क्या कह रहा है? वो कह रहा है यार ए बी एंड बी सी बिलोंग टू आर, मतलब ए बी के कॉन्ग्रुएंट है, बी सी के कॉन्ग्रुएंट है. तो अरे यार ऑब्वियसली ए सी के भी तो कॉन्ग्रुएंट होगा. मैं सिर्फ लिखने का तरीका बता रही हूँ, अगर लॉन्ग वाला आ जाए तो ए सी के भी तो कॉन्ग्रुएंट होगा. तो ये तो तीनों ही हैं, इक्विवेलेंस है, समझ गए? सही बात है ना. हाँ बजाओ ताली इसी बात पे, डोंट गिव गाली, बजाओ ताली. ओके दिस इज सॉर्टेड. आइए नेक्स्ट वन देख लेते हैं, नेक्स्ट वन देख लेते हैं. जल्दी से बता दो बच्चों, जल्दी से बता दो ना क्या हो रहा है यहाँ पे. देखो इसकी पीडीएफ तो तुमको यार कम से कम 5000 लाइक पे मिलने वाली है, तो सोच लो. कंसिडर द नॉन एम्प्टी सेट कंसिस्टिंग ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली एंड अ रिलेशन आर डिफाइंड एज ए आर बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी. तो रिलेशन कैसे डिफाइंड है, ये सारे ए बी सच दैट ए इज ब्रदर ऑफ बी. तो ए इज ब्रदर ऑफ ए,
मतलब ये तो अकेला ही बच्चा है, अब उसको बोल ही सकते हो, है ना, रिफ्लेक्सिव तो होगा ही, रिफ्लेक्सिव की इसलिए बात ही नहीं करी। सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा। मैं कह रही हूँ ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो डज इट इम्प्लाई कि बी इज ब्रदर ऑफ ए? यस और नो? क्या ये हमेशा इम्प्लाई करेगा? क्या ये हमेशा इम्प्लाई करेगा? ध्यान से सुनना, ए इज ब्रदर ऑफ बी, और पता चले बी लड़की है, तो आप उसको ये थोड़ा ना बोलोगे कि बी की लड़की भी भैया उसी का भाई है। ये तो सिर्फ दो भाइयों के केस में ट्रू होगा, इन जनरल तो फॉल्स ही है। तो इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक बाबा। तो कोई भी आपको सिमेट्रिक कह रहा है उसको हटा दो, है ना, नॉट सिमेट्रिक बिल्कुल भी नहीं। वो तो पर्टिकुलर केस ही हो गया कि दोनों भाई हैं, फिर आप जिसको मर्जी जिसका बोलो, है ना। हाँ अच्छा, और ट्रांजिटिव आपने बोला यार, ए ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर। अब सुन लो कि ए इज ब्रो ऑफ सी एंड सी इज ब्रो ऑफ ए, सॉरी सी इज सॉरी एंड क्या बोल रही हूँ, ए इज ब्रो ऑफ बी एंड बी इज ब्रो ऑफ सी। इसमें तो यानी आपने बता ही दिया तीनों लड़के हैं, तो फिर ऑब्वियसली ऑब्वियसली ए विल ऑल्सो बी ब्रो ऑफ सी। तो यानी ट्रांजिटिव तो है बट सिमेट्रिक नहीं है, है ना। बी इज करेक्ट, राइट, करेक्ट, चमक गया ना, चलिए ग्रेट, ओके। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कितने होंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कितने बनेंगे? जैसे एक मजेदार बात बताती हूँ, इस तरह का सवाल इस बार जेई में भी था बेटा, बाइजेक्टिव मतलब वन वन ऑन टू बोथ, ओके। मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन द सेट ए आर कितने? भाई इक्विवेलेंस लिखनी है आपने रिलेशन, तो खुद से समझो कि उसके अंदर कितने कितने पॉसिबल हैं। आपको ये सेट है तो यार रिलेशन पहला कैसे बना सकते हो? वन वन टू टू थ्री थ्री तो डालना ही पड़ेगा, है ना। मैक्सिमम कितने बन सकते हैं रिलेशन टू? देखो ये तीनों तो आएंगे ही आएंगे, इसके बिना तो रिफ्लेक्सिविटी जाएगी। वन टू और टू वन डाल सकते हो, ठीक है। और क्या हो सकता है नेक्स्ट टाइम? आर वन के साथ साथ वन थ्री और थ्री वन डाल सकते हो, ठीक है। आर फोर, ये आपका अगर आप सोचो, मैं छोड़ के चले जाऊँ, ये आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी दे रखा है, ऐसा छोड़ना मत इसको बिल्कुल भी। हाँ यहाँ आर वन तो देखो रहेगा, उसकी जगह टू थ्री और थ्री टू डाल दो, सही है। तो ऐसे चार रिलेशन तो बन चुके हैं, पांचवा क्या, सब कुछ डाल दो, क्योंकि एक को डालने चलोगे सब कुछ ही डालना पड़ेगा, कभी सिमेट्री के चक्कर में कभी ट्रांजिटिविटी के चक्कर में। तो आर वन के साथ साथ सब कुछ, वन टू टू वन, वन थ्री थ्री वन, टू थ्री थ्री टू, क्योंकि एक को भी छोड़ा तो या तो सिमेट्री लूज हो जाएगी या ट्रांजिटिविटी। तो कितने ऐसे पॉसिबल है? पांच रिलेशन पॉसिबल है, राइट। यस और नो? ठीक है जी, बढ़िया, चलिए आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। ओके, यहां पे देखिए जरा, बहुत ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। इंजेक्टिव क्या होता है? इंजेक्टिव बोले तो वन टू वन होता है, यस, हाँ जी। यहां पे पूछो, फिर हम आगे भी जाएंगे और भी तरह के बढ़िया क्वेश्चंस पे। फॉर्मूला नहीं है बेटा, इसको डायरेक्टली किया है। सेट ए कंटेन्स फाइव एलिमेंट्स एंड सेट बी कंटेन्स सिक्स एलिमेंट्स। तो समझो, सेट ए में फाइव एलिमेंट्स है, सेट बी में छह एलिमेंट है। हाँ, देन द नंबर ऑफ वन टू वन एंड ऑन टू मैपिंग्स फ्रॉम ए टू बी। एक मिनट, नहीं मैं आपको दरवाजा खोलने को नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ एक मिनट सोचो। वन टू वन एंड ऑन टू, वन टू वन एंड ऑन टू,
अरे ऑन टू तो हो ही नहीं सकता भाई, तुम वन टू वन के लिए क्या करोगे, किसी को भी किसी के साथ भी ज्वाइन करवा दोगे अलग अलग, एक तो हर हाल में बच जाएगा। इसका आंसर सिर्फ जीरो है। तो ये ऐसा हॉर्स का क्वेश्चन है जो बच्चों को उल्लू बना सकता है, जो बच्चों को उल्लू बना सकता है। समझ में आ गया? यस यस, बिल्कुल ठीक। ठीक है जी, ओके। यहाँ पे देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। हाँ जी, 1 1 2 2 1 3 दे रखा है, तो यार रिफ्लेक्सिव तो हो नहीं सकता क्योंकि 3 3 उड़ा दिया है ना, तो या तो सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। सिमेट्रिक देखो सिमेट्रिक नहीं है ना, 3 1 नहीं है ट्रांजिटिव। अच्छा, अब यहाँ पे बच्चे सोचेंगे ट्रांजिटिव कैसे आ गया। आप बोलोगे चलो सिमेट्री तो समझ में आ रहा है, नहीं हाँ मैम ऑप्शन यही बचा तो आपने मार्क कर लिया। नहीं सुनो ध्यान से, ऐसी सिचुएशन में ना, और ऐसा क्वेश्चन तुम्हारी एनसीईआरटी में भी है, इसे कहते हैं ट्रिवियली ट्रांजिटिव। ट्रिवियली ट्रांजिटिव मतलब जैसे हम एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि यार 1 1 है, 2 2 है, 1 3 है, इसके अंदर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो मैं खुद से सोच सकूं। समझो, ज्यादा से आप आप क्या कर दोगे, 1 1 है, 1 3 है, और 1 3 खुद है ही, 2 2 के साथ मैं कुछ सोच नहीं सकती है ना। तो यस ये ट्रांजिटिव है, बहुत बेसिक लेवल का है लेकिन ट्रांजिटिव है। ऑल राइट, एसर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस पे आते हैं। थोड़े से क्वेश्चंस देखे कैसे उड़ाएंगे। जोश ठंडा तो नहीं हुआ है मेरे शेर मेरे चीतों? यस, उड़ा दे क्या, क्या लगता है उड़ा दोगे? अरे क्या लगता है उड़ा दोगे? चलिए उड़ाएं फिर से। हाँ 1 3 इज देयर, यस यस। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अब आपको जैसे कल बताया था दो स्टेटमेंट्स दे रखी होंगी, अगर तो दोनों ट्रू है और आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ द फर्स्ट वन, सेकेंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट रीजन फॉर द फर्स्ट वन, तो ए को मार्क करोगे, दोनों ट्रू है लेकिन आर इज द नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो बी मार्क करोगे। ए ट्रू आर फॉल्स या ए फॉल्स आर ट्रू, आप इस तरह से ऑप्शन मार्क करते हो। चलिए दिस इज द क्वेश्चन बच्चों आपके सामने। ओके, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट ऑफ इंटीजर जेड गिवन बाय 2 divides A minus B। आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यस और नो? ट्रू होगा या नहीं? बिल्कुल होगा यार, क्योंकि 2 divides A minus A, अभी हमने पीछे किया था ऐसा सवाल, 2 divides 0 ऑब्वियसली, ठीक है ऑब्वियसली, तो ए तो ट्रू है, ए तो ट्रू है। रीजन, अ रिलेशन इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ इन एक्स आर एक्स, इफ एक्स आर एक्स यानी एक्स इज रिलेटेड टू इट्सेल्फ, बिल्कुल सही है ना, बहुत ईजी, बहुत ईजी बेटा, बहुत ईजी, वेरी गुड। चलिए यहाँ पे बात करते, देखो हर चैप्टर से हर तरह का सवाल जरूरी नहीं बने, बट आगे भी जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये काम करते रहेंगे। अभी आ जाइए, सैम्पल पेपर का सवाल है, कैसे करोगे इसे जरा ध्यान से देख लो। ओहो चलिए, हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस वन बच्चा? ध्यान से देखो, प्रूव दैट द फंक्शन एफ इज सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू, प्रूव करना है आपको एफ एन से एन तक है, आपको प्रूव करना है इसे। कैसे करोगे प्रूव, कैसे करोगे प्रूव? आप बोलोगे लेट वाई बिलोंग टू एन विच इज अ कोडोमेन, देन देर मस्ट एग्जिस्ट सम एक्स बिलोंगिंग टू एन विच इज इन द डोमेन सच दैट। लिखने का तरीका सीख लीजिए, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, मतलब मैं ये कह रही हूँ मैं वाई में से कोई भी एलिमेंट उठाऊँ मुझे कोई ना कोई जवाब ज़रूर मिलेगा। दिस इज वॉट आई एम ट्राइंग टू से, मुझे कोई ना कोई जवाब बच्चों ज़रूर मिलेगा। ठीक, तो कैसे मिलेगा, तो कैसे मिलेगा? मैं अब इसको x को मान लो, मुझे नहीं पता ना कि y से जो मैं उठा रही हूँ वो ऑड है या इवन है, मुझे कैसे पता? ओके तो अगर मान लो मैंने आपको बोल दिया यार n मेरा यहाँ से यहाँ, या तो मुझे x प्लस 1/2 इक्वल टू y मिलेगा या मुझे x/2 इक्वल टू y मिलेगा, करेक्ट?
यानी कि या तो मुझे x इक्वल टू 2y प्लस 1 के फॉर्मेट में मिलेगा या x इक्वल टू 2y मिलेगा, दोनों ही चलेगा क्योंकि भाई नेचुरल नंबर्स तो दोनों ही हैं, नेचुरल नंबर्स तो दोनों ही हैं, कोई भी ले लो, है ना, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, बस दैट्स इट, आपने प्रूव कर दिया है इट इज़ ऑन टू। तो ऑन टू के लिए ना कई बच्चे ये गलती करते हैं कि आप एग्जाम्पल लेने स्टार्ट कर देते हो, एग्जाम्पल नहीं लेने, एग्जाम्पल नहीं लेने, ये चीज़ समझ में आ गई है, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसने पूछा क्या ये इंजेक्टिव है, क्या मैं बोल सकती हूँ इस फंक्शन को कि ये वन टू वन है, सोचो ध्यान से, अगर है तो प्रूव करो, अगर नहीं है तो एक एग्जाम्पल देके निकल जाओ। एक बात बताओ मुझे, अगर मैंने n को 1 लिया तो यानी इस कैटेगरी में लाइक किया, तो मेरा fn क्या हो जाएगा, fn क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाय 2 यानी के 1, करेक्ट, यानी 1 1 एक एलिमेंट है फंक्शन का, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई और भी है जो 1 आउटपुट दे सकता है, अगर मैंने n को 2 पुट किया तब fn क्या है, आप यहाँ से जाओगे 2 बाई 2 विच इज़ 1, तो यानी 2 1 भी f को ही बिलोंग कर रहा है, तो भाई दो अलग नंबर्स हैं लेकिन दोनों के दोनों 1 पे जा रहे हैं, नॉट 1 टू 1, समझ में आ गया, 2y माइनस 1 होगा, अरे हाँ यार 2y माइनस 1 होगा, लो लो लो, कर दिया कर दिया कर दिया, डन। तो इंजेक्टिव नो, जस्टिफाई एग्जाम्पल दे दिया, लिखने का तरीका समझ में आ गया, पक्का ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया जब इक्विवेलेंस क्लास समझा रही थी तो बता दिया था, आ जाओ, कम ऑन बच्चा, लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन नाउ। हाँ जी बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टे ई का मतलब क्या होता है, ये हे भगवान, उल्टा ई मतलब देयर एग्जिस्ट, और उल्टा ए मतलब फॉर ऑल, ठीक है, सिंबल भूल गए हैं हम, चलिए कोई बात नहीं, ओके, सेट ए गिवन है, आर इज अ रिलेशन, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, इज इट सिमेट्रिक, इज इट ट्रांजिटिव, क्या करोगे, यस ITF स्टार्ट कर रही हूँ यार, क्वेश्चन तो कर लो यहाँ के पूरे, सिमेट्रिक है क्या भाई, सिमेट्रिक कैसे हो सकता है, आप मुझे बताओ, 1 to r में लाइक करेगा, है ना, क्यों, क्योंकि 2 इज डिविजिबल बाय 1, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू r, सिंस 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल थोड़ा ना होता है, 0.5 दे दोगे तो, है ना, तो वेयर 1 and 2 बोथ बिलोंग टू सेट ए, तो नॉट सिमेट्रिक, अरे खाली जवाब नहीं उसको प्रेजेंट करना भी सीखो, खाली जवाब नहीं देना उसे प्रेजेंट भी करना है बेटा, ठीक है, ओके नेक्स्ट, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है क्या, देखो ट्रांजिटिव है तो फिर जवाब दे दो, नहीं है तो फिर कोई काउंटर एग्जाम्पल सोचो, हाँ हाँ 3 3 6 1 के साथ तो कुछ भी नहीं बनेगा, 2 4 हाँ क्या लग रहा है इसमें, क्या बोले है कि नहीं है, इसमें क्या बोले है कि नहीं है, ऑन टू, ऑन टू नहीं सॉरी ट्रांजिटिव, नहीं होगा तो एग्जाम्पल सोचो, एग्जाम्पल नहीं मिल रहा तो नॉर्मल करो, ट्रांजिटिव में कैसे करोगे, आप बोल सकते हो ना एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, ठीक है, तो वाई इज डिविजिबल बाय एक्स मतलब एम एक्स लिख सकते हो आप, ऑब्वियसली वाई जेड बिलोंग टू आर मतलब जेड इज इक्वल टू लेट्स से सम एन वाई, राइट, अब मुझे चेक करना है, टू चेक
कि एक्स जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर और नो, चेक कर रही हूँ मैं, मुझे नहीं पता कि सही है या नहीं है. यानी जेड इक्वल टू समथिंग बिल्कुल लिख सकते हैं. यहाँ देखो ना, अरे यार ये ट्रू है, देखो ना, यहाँ मैं ऐसे लिख सकती हूँ जेड इज इक्वल टू एन टाइम्स वाई की जगह ये डालो, और अपने पेपर में ऐसे डाल लेना ना, अरे टू की जरूरत नहीं है, बस ऐसे डाल देना यूजिंग वन. तो आपका ऑब्वियसली एक्जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो यानी ये ट्रांजिटिव है. यस, ठीक है, ट्रांजिटिव है. कोई भी हमें ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिल रहा. ठीक, चलिए इसको फटाफट से देख लेते हैं. धीरे धीरे करके आपकी इन्वर्स ट्रिगो की तरफ ही बढ़ेंगे बेटा. अरे बेटा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे ना, अरे ऐसे हवा में थोड़ा करेंगे. चलिए, हाँ जी, क्या कह रहा है वो, ए बी दिया हुआ है मुझे, ऐसे ऐसे दिया हुआ है, देन शो दैट एफ इज वन टू वन. उसमें शो क्या करना है, वन भी फोर पे जा रहा है, टू भी फाइव पे जा रहा है, थ्री भी, चेक होना चाहिए था. चेक, तो चेक तो कर ही लिया, ये है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी हमने बनाया है. थोड़े से थ्री मार्कर्स पे आते हैं. अब जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे इक्विवेलेंस क्लास वाला और क्वेश्चन करा दो, तो देखो सिमिलर वाला एक और क्वेश्चन आ गया. क्या कह रहा है ये, चेक वेदर द रिलेशन इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स डिफाइंड बाय दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. ये है क्या, a प्लस ए इज टू ए, ऑब्वियसली इज डिविजिबल बाय टू. ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक पे आए, सिमेट्रिक पे आए. क्या कह रहा है, a प्लस बी इज डिविजिबल बाय टू. तो अगर मैंने बोला यार, देखो ये ऑब्वियस ही है ना, मैंने बोला ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस मीन्स ए प्लस बी इज टू एम. इंटीजर्स की बात हो रही है भाई, कॉम्यूटेटिविटी भी तो कोई चीज़ होती है. ए प्लस बी तो बी प्लस ए के ही बराबर होगा ना, सो दिस ऑल्सो मीन्स कि यार बी ए मस्ट बिलोंग टू आर, तो सिमेट्रिक भी हो गया. लिखने का तरीका भी ज़रूरी है, सिर्फ ऐसा दिमाग में समझना नहीं ज़रूरी, तीन मार्क का क्वेश्चन है, प्रेजेंट करना भी ज़रूरी है. ट्रांजिटिव क्या होगा, ए बी एंड बी सी दे बिलोंग टू आर, दिस मीन्स ए प्लस बी इज टू एम, बी प्लस सी इज टू एन. ठीक है, अभी इन दोनों को अगर ऐड कर लूँ तो, इन दोनों को ऐड कर लें तो क्या होगा, इट विल गिव मी ए प्लस टू बी प्लस सी इज ट्वाइस ऑफ एम प्लस एन, एडिंग वन एंड टू, एडिंग वन एंड टू. ठीक है, तो भैया ये क्या हो गया, ए प्लस सी इज टू टाइम्स एम प्लस एन माइनस बी. अब भैया ऑब्वियसली क्या हो गया ये, दिस मीन्स ए सी विल बिलोंग टू आर, तो ट्रांजिटिव ही है. अरे यार प्रेजेंटेशन सीखो बेटा, प्रेजेंट कैसे करने वाले हो सवालों को, ठीक है, प्रेजेंट कैसे करने वाले हो सवालों को, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सही है, ओके. अब वो कह रहा है ए प्लस बी इज डिविजिबल. अब ये तो बहुत ही सिंपल सा हो गया, वैसा ही हो गया, सिमिलर सा. इसमें क्या आएगा, इक्विवेलेंस क्लास के लिए पी वाई क्यूज करा दो. तो ये क्या है, अरे यार ये पी वाई क्यूज से ही तो सैंपल पेपर भी बनता है ना. इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो मतलब ऐसे ए जीरो सच दैट ए प्लस जीरो इज डिविजिबल बाय टू. अब फिर से सेट ऑफ इंटीजर्स है तो क्या ले लोगे, जो पिछली बार लिया था ये लो, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो इज ये सारे के सारे डिजिट्स. ये देखो आपकी कन्वीनियंस के लिए अपना ही हैंड रिटन प्रूफ लगा दिया यहाँ पे. वेदांशी पूछिए ट्रिवियली ट्रांजिटिव क्या होता है. ट्रिवियली ट्रांजिटिव होता है बेटा जब आप ए से बी की तो बात कर रहे हो लेकिन बी सी कोई एलिमेंट है ही नहीं और ना ए सी है, तो आप उसे बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हो कि यार अगर होता कॉन्टिन्यूएशन एलिमेंट तो शायद ट्रांजिटिविटी हो जाती, राइट. अच्छा चलिए आइए, चेक वेदर दिस इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव. आ जाओ,
Everybody. Let's have a look at this one. Quickly. Quickly. Check whether this relation is defined on this set. Reflexive to dekho, kahin se nahi hoga. Reflexive to nahi hone wala. Hai na? Yeh I think humne kar liya hai. है ना, ये हमने आई थिंक कर लिया, अभी पीछे भी इस सवाल को हमने लगाया है. रिफ्लेक्सिव शायद उसमें पूछा था. देखो रिफ्लेक्सिव तो मैं उसको आपको बोल रही हूँ वन बिलोंग्स टू ए, बट वन इज नॉट इक्वल टू वन प्लस वन, तो नॉट रिफ्लेक्सिव, राइट? देयरफॉर वन वन डज नॉट बिलोंग टू आर. सिमेट्रिक भी नॉट होगा. क्यों? क्योंकि आप बोल रहे हो यार वन, सपोज मैंने बोला टू वन बिलोंग्स टू, सॉरी टू वन नहीं वन टू ना, वन टू बिलोंग्स टू आर, राइट? यानी के टू इज इक्वल टू वन प्लस वन, बट टू वन भी इस केस में नहीं हो रहा ना. हाँ, टू वन डज नॉट बिलोंग टू आर. कैसे भैया? बी को आप वन को टू प्लस वन तो नहीं लिख सकते यार. यस, नन हो गया. अब ट्रांजिटिविटी के लिए तुम अपना बढ़िया सा एक एग्जाम्पल दे दो मुझे फिर. तो बच्चे समझ तो गए हैं तीनों नहीं है, तो अब नॉट ट्रांजिटिव के लिए भी एक बढ़िया सा एग्जाम्पल पेश किया जाए, है ना? बढ़िया सा एग्जाम्पल पेश कर दिया जाए. क्या लिखूं मैं, क्या लिखे? अरे यार, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अगले 10 मिनट में स्टार्ट हो जाएगी, सो डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है? हाँ, तो ट्रांजिटिविटी के लिए आप 1, 2 कह सकते हो, आप 2, 3 कह सकते हो. ठीक है? क्योंकि 2 को आप 1 प्लस 1 लिख लोगे, आप 3 को 2 प्लस 1 लिख दोगे. ठीक है? बट 1, 3 डज नॉट बिलोंग टू आर, क्योंकि 3 इज नॉट इक्वल टू 1 प्लस 1. ठीक है जी? राइट. हाँ, बिल्कुल सही. बहुत ही सिंपल सा सवाल. ओके, एनसीईआरटी का ये काफी बढ़िया वाला क्वेश्चन. लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू डू विद दिस वन. शो दैट रिलेशन इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव. उसने पहले ही कहा है, आप एग्जाम्पल दे दो. नॉट रिफ्लेक्सिव, एग्जाम्पल सोचो. ये थोड़ा सोचने वाला सवाल है. ऐसा कोई भी रियल नंबर उठाओ. इसके बाद 5 मार्कर्स पे ही आ रही हूँ तुम्हारे. काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना. हाँ जी, तो यहाँ क्या होगा? नॉट रिफ्लेक्सिव मतलब अगर मैं ए को हाफ ले लूँ तो अब देखो हाफ हाफ आर को बिलोंग करेगा? नहीं करेगा. कैसे? वन इज लेस देन इक्वल टू, सॉरी, वन बाय टू इज लेस देन इक्वल टू वन स्क्वायर. बिल्कुल भी नहीं. हाफ यार 1/4 से छोटा थोड़ा ना हो सकता है ना? हाफ 1/4 से छोटा थोड़ा ना हो सकता है. अच्छा, नॉट सिमेट्रिक. कैसे? एग्जाम्पल सोचो कोई. अयो, मैं कह सकती हूँ इसमें तो सिंपल ही ले लो, 1, 2 बिलोंग्स टू आर, सिंस 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, बट 2 डज नॉट बिलोंग टू ओ, सिंस 2 के नॉट बी लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर. फिर से बता रही हूँ, प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखती है आपकी. नेहा मैम इज नॉट ईटिंग कुरकुरे, नेहा मैम इज ईटिंग एप्पल. ओके, नॉट ट्रांजिटिव. अब कोई एग्जाम्पल सोचो फिर से जिसमें तिकड़ी हो, जिसमें तिकड़ी हो, तिकड़ी तिकड़ी कोई भी ले सकते हो आप. अगर मैं बोलूँ 3 और 2 लो, 2 और 3/2 लो, दिस बिलोंग्स टू आर. कैसे? अभी आप देखो ना यार, 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर एंड 2 इज लेस देन इक्वल टू 3/2 स्क्वायर. कैसे? 9/4 है यार, 2 पॉइंट समथिंग होता है. बट 3 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 3/2 स्क्वायर, यानी 3, 3/2 डज नॉट बिलोंग टू आर.
यस, 1 2 3 से नहीं चलेगा बेटा. अरे हर वक्त 1 2 3 से थोड़ी ना चीज़ चलती है. वो सेटिस्फाई भी तो आपने कराना है कि लास्ट वाला ना सेटिस्फाई करे. हर चीज़ थोड़ी ना 1 2 3 से चल जाएगी. नहीं बेटा 2 3 10 चलेगा. नहीं यार 2 is less than 10 स्क्वायर चल जाएगा. आप नहीं ऐसा एग्जाम्पल लेना जहाँ फेल हो ट्रांजिटिविटी. आ जाओ, इसको तो यार मिस कर ही नहीं सकते तुम लोग. मैं बता रही हूँ इसको तो आप लोग मिस कर ही नहीं सकते. देखो जरा क्या हो रहा है यहाँ पे. कम ऑन एवरीबडी. चलिए चलिए चलिए, क्या कह रहा है. डिफाइन द रिलेशन एन क्रॉस एन से फॉर ए बी. सी डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन. ए बी इज रिलेटेड टू सी डी इफ एंड ओनली इफ ए डी इज इक्वल टू बी सी. प्रूव दैट इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. ये सवाल थोड़ी जान खाएगा, लंबी प्रेजेंटेशन होगी. ये भी एन सी आर टी का ही सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट वाला है, तो ध्यान से सुनो कि प्रेजेंट कैसे करते हैं. सबसे पहले आपका एलिमेंट ना जो सेम सेम होगा आप उसको ए ए मत लेना. इस बार ही क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए. अब आपको ये तो पता ही है सब कुछ है, यानी बस आपने प्रूव करना है. कैसे, ए बी शुड बी रिलेटेड टू ए बी. देखो यहाँ पे ना एलिमेंट बड़े अलग हैं. यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट ए नहीं है, यहाँ पे है ही ऑर्डर पे है. तो आप अभी तक जो ए ए बिलोंग टू आर कर रहे थे, यहाँ पे टेक्निकली ए बी बिलोंग टू आर. ऐसा है सीन. ठीक है, ये ट्रू होगा सिंस, ये ट्रू होगा सिंस. अब आप देखो एक्सट्रीम वाले डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली वो क्या कह रहा है. एक्सट्रीम वाले मिडिल वालों के प्रोडक्ट के बराबर होने चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू एन क्रॉस एन. लिखने का तरीका समझिए. इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री ये 5 मार्क क्वेश्चन के बाद शुरू कर देते हैं और फिर केस स्टडी सबके एंड में एक साथ ले लेंगे. ठीक है चल. सिमेट्री, सिमेट्रिक पे क्या करें. सुनो, ए बी इज रिलेटेड टू सी डी. लेट दिस, यानी कि ए डी इज इक्वल टू बी सी. और मुझे शो क्या करना है, ऐसा दिमाग में रख सकते हो. शो क्या करना है कि सी डी शुड बी रिलेटेड टू ए बी. तो यानी आपको दिमाग में तो एक्सट्रीम वाला ही चलाना है ना. अच्छा तो ये यार ये भी तो करता है कि डी ए इज द सेम एज सी बी. क्यों, क्योंकि यार ए डी डी ए के बराबर होता है इन जनरल, बी सी सी बी के बराबर होता है. हम कोई मल्टीप्लीकेशन थोड़ा ना कर रहे हैं, हम तो दो नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में, है ना. तो यानी मैं कह सकती हूँ दिस इम्प्लाइज, इसकी प्रेजेंटेशन बार बार बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रेजेंटेशन के ही सारे नंबर हैं. 5 नंबर का क्वेश्चन आया ये, या आपके सैंपल पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन आया. दिस मीन्स यस और नो. अरे ये चीज चमकी कि नहीं. ओके हर्ष लगवा दूंगी. ठीक है, वैसे तो मैं साथ साथ कवर भी करवा रही हूँ एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ट्रांजिटिव, ए बी इज रिलेटेड टू सी डी इम्प्लाइज ए डी इज इक्वल टू बी सी. इसको आप इक्वेशन 1 बोल दो. नेक्स्ट वो क्या कहेगा, सी डी इज रिलेटेड टू लेट्स से कोई तीसरा इंसान ई एफ. भैया यहाँ पे पहले नोट कर लो कि आपके ए बी सी डी ई एफ सबके सब एन क्रॉस एन में लाई कर रहे हैं. या तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस मीन्स सी एफ इज इक्वल टू डी ई. मेरे को क्या प्रूव करना है, हमेशा ना दिमाग में याद रखो कि मुझे क्या प्रूव करना है. मैं प्रूव करना चाह रही हूँ ए बी शुड बी रिलेटेड टू ई एफ, यानी कि ए एफ शुड बी इक्वल टू बी ई. मैं इसमें से इसको कैसे लेके आऊँ. मेरे पास एक निंजा टेक्निक है, आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दूँ, आपस में दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दूँ. 1 multiplied by 2 क्या देगा, ए डी सी एफ इज इक्वल टू बी सी डी ई. बहुत कुछ कॉमन कटने वाला है, देख लो कलर बदल देते हैं, है ना. देख ही रहे हो ना क्या क्या कट रहा है. ए इतना आसान है तो कट.
दिस मीन्स ए एफ इज इक्वल टू बी ई. बिंगो. दिस मीन्स ए ई ए बी. एक मिनट यार, आपको प्रूव क्या करना है? ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ. ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ. कर दिया. यस और नो? आपने सैम्पल पेपर टू शेयर कर दिया, टेलीग्राम ग्रुप में कर दिया था, सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कर दिए थे आपके साथ, कल की पीडीएफ कर दी थी, थोड़ी सी लेट हो गई थी, कुछ उसमें ग्लिच आ गई थी, बट ये वाली एकदम रेडी है. एक कॉपी भी बना के रख ली है फॉर द सेफर साइड, ताकि इमीडिएटली शेयर हो सके. यस, समझ में आ गया लिखना कैसे है? चलिए ओके. ये भी देख लो, ये भी आपका एनसीईआरटी का सवाल है, लेकिन सैम्पल पेपर में दे रखा है. बेटा ऐसे क्वेश्चंस को स्किप नहीं कर सकते. गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट एस, डिफाइन द रिलेशन इन पीएक्स. पीएक्स मतलब पावर सेट ऑफ एक्स. एज फॉलोज, ए बी बिलोंग्स टू पावर. पावर सेट ऑफ एक्स मतलब A belongs to power set of X का क्या मतलब होता है कि A is a subset of X. ये क्लास 11th का ज्ञान है, सेट्स में पढ़ा होगा. ठीक है ओके. ए बी बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ A is a subset of B. प्रूव दैट R इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड नॉट सिमेट्रिक. आई थिंक काफी सिंपल है ये. कैसे? रिफ्लेक्सिव. आप एक लेते हो A belongs to Px, करेक्ट. This means A is a subset of itself. वो तो पूरी दुनिया को पता है कि A is a subset of itself. This means A A will belong to R. Reflexive की तो कहानी यहीं दबा दी गई. Symmetric. उसने कहा है not symmetric. Obvious है ना यार. आपने बोला कि यार A B belongs to R. इसका मतलब A is a subset of B. But B is not a subset of A. अरे भाई B तो बड़ा है ना, तो B उसका पार्ट कैसे हो सकता है until दोनों सेम हो, है ना? तो आप बोलोगे this implies BA does not belong to R. एंड यहाँ A and B कहाँ से आए हैं? पावर सेट से आए हैं. फिर से बता रही हूँ, प्रेजेंट करना सबसे ज़्यादा इसको इम्पॉर्टेंट वाली चीज़ है, राइट? ट्रांजिटिव. आपने तीन सेट ले लिए, करेक्ट. एंड आपने बोल दिया लेट ए बी एंड बी सी दे बिलोंग टू आर. दिस मीन्स ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी. दिस मीन्स ए इज अ सबसेट ऑफ सी. Which means AC belongs to R. खत्म कहानी, राइट? खत्म कहानी. इस तरह से आपको सारे लिखना आना चाहिए. अबे वेन डायग्राम वगैरह से कुछ नहीं करना भाई, 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपको स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे, आपको प्रॉपर स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे. वेन डायग्राम से कुछ नहीं होगा यहाँ पे. ओके, लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन, लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चन. इसको फटाफट से समझते हैं. आ जाओ बच्चों, चलो, जरूरी है भाई, ऐसे क्वेश्चंस करने जरूरी है ना. ओके, प्रूव दैट द रिलेशन ऑन सेट डिफाइंड बाय आर इक्वल टू दिस 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 इज इक्विवेलेंट. आ जाओ, कैसे करोगे? रिफ्लेक्सिव कैसे करोगे प्रूव? Let x belongs to z. x minus x is 0, which is divisible by 5. अरे 0 को तो किसी भी नॉन जीरो नंबर से कर लो. दिस मीन्स एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर. रिफ्लेक्सिबिलिटी खत्म, है ना? सिमिट्री पे आइए. आ रही हूँ. थम्बा. सिमिट्री पे आइए. तो लेट x एंड y बिलोंग टू z. एंड हम कह देते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू आर. दिस मीन्स एक्स माइनस वाई इज 5 टाइम्स m, जहाँ m एक इंटीजर है.
चलिए m एक इंटीजर है. दिस मीन्स y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव टाइम्स m, जहाँ पे माइनस m इज ऑल्सो एन इंटीजर. तो मैं कह सकती हूँ yx बिलोंग्स टू r. तो ये सिमेट्रिक है. यस और नो? है ना? ओके, नेक्स्ट ट्रांजिटिव. ये क्या कहता है? आप बोलोगे एक्स वाई जेड भैया तीन इंटीजर्स हैं क्या, कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर. तो आप ऐसे लिख दो एक्स माइनस वाई इज फाइव एम. फिर आप बोल रहे हो वाई जेड बिलोंग टू आर, यानी वाई माइनस जेड इज फाइव एम. अब सिंपल सी बात है, इसे ऐड कर लो. ऐड करते ही आ जाएगा x माइनस जेड इज फाइव टाइम्स m प्लस n, यानी एक्स जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू r. तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हैं. यस, डन. अभी इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है? और भी क्वेश्चन है जो बच्चे एनसीईआरटी का, जो आप लोग फंक्शंस कह रहे हो ना, वन वन ओन टू वाला, मैं आ रही हूँ उस पर. एक मिनट बच्चा, देखो 1.3 ऑनवर्ड्स तो आपका सारा कट चुका है. 1.2 के भी ना मेजॉरिटी क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं. एक क्वेश्चन करा रही हूँ. अरे ये कहाँ गया? हाँ, इसको ध्यान से सुनो. कैसे करने वाले हो ध्यान से देखो. ये एक्सरसाइज 1.2 का एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है. इसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी को पे जा रही हूँ, फिर और क्वेश्चंस और केस स्टडी पे आऊँगी, ठीक है? क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 है. ए आर आपका आर माइनस थ्री सेट है, बी आपका आर माइनस वन सेट है. ये पेन बहुत मोटा क्यों लिख रहा है? राइट. अब आपको दिया हुआ है कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, ठीक है? इज f वन टू वन एंड ऑन टू? चेक करो, इज f वन टू वन एंड ऑन टू? चल बेटा ऑन टू लग जा. कैसे करने वाले हैं? कैसे करने वाले हैं? लेट्स सी दिस. आप यार सबसे पहले बताओ मुझे, ऑन टू के लिए आप क्या करते हो? लेट एक्स वन एक्स टू बिलोंग टू, कहां से आया है? यहीं से आएगा ना. एंड एफ ऑफ एक्स वन बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू. आपको प्रूव करना होता है कि एक्स वन शुड बी इक्वल टू एक्स टू. सो आप क्या करोगे? एक्स वन माइनस टू अपॉन एक्स वन माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स टू माइनस टू अपॉन एक्स टू माइनस थ्री. चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं. एक्स वन एक्स टू माइनस थ्री एक्स वन माइनस टू एक्स टू प्लस सिक्स इज इक्वल टू एक्स वन एक्स टू माइनस टू एक्स वन माइनस थ्री एक्स टू प्लस सिक्स. तो काफ़ी चीज़ें तो आपको कट ही रही हैं, यहाँ दिख रहा है. इनको भी अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखो 2x1 तो इधर आएगा, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, डन. वन वन है, वन वन है. समझ में आ गया? एवरीबडी शोर मच रहा है कि नहीं? यस और नो? वन टू वन हो गया ना? काय जाला, हो गया. चलिए अब मैं ऑन टू की बात करती हूँ. नोट कर लिया? कर लेना वरना पीछे करके. ऑन टू के लिए क्या करोगे? लेट वाई बिलोंग टू बी, ठीक है? देन देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू ए सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, विच मीन्स एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू वाई. अभी क्या करना होता है? एक्स को वाई के टर्म्स में एक्सप्रेस करोगे, ठीक है? कैसे करेंगे आप? यहाँ पे आएगा x के साथ 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस थ्री वाई,
यानी x को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2-3y/1-y, जो आपका सेट ए में बड़े बिंदास तरीके से लाई करता है, बिलोंग्स टू ए. सो आपने ऑन टू भी शो कर दिया. ठीक है, चलिए सुपर. सो बाकी के थोड़े बहुत क्वेश्चन और केस स्टडी वाले क्वेश्चन मैं एंड में लेती हूँ. अभी आ रही हूँ मैं अनपॉपुलर डिमांड. आर वी रेडी? थोड़ा सा जोश दिखाया जाए नेहा मैम को. आर वी रेडी? लेट द मैजिक बिगिन. इनवर्स ऑफ अ फंक्शन पहले मुझे समझना होगा कि क्या होता है. देखो इनवर्स वहां तो काट दिया तुम्हारा, ठीक है, वहां से तो काट दिया, लेकिन एक बेसिक आइडिया तो हमें चाहिए, क्योंकि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन से ही तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे पहुंचोगे. तो यार आपका एक बाइजेक्शन यानी कि 1-to-1 on-2 फंक्शन दिया हुआ है एफ से ए, ए से बी तक. ठीक है, एक आपको फंक्शन दिया हुआ है ए से बी तक, विच इज़ अ बाइजेक्शन. बाइजेक्शन मतलब आप उसका इन्वर्स ले सकते हो. जी को बी से ए तक लिख लो, यानी अभी तक जो एफ एक्स इक्वल टू वाई था वो जी वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा, एंड जी को कहलाएगा वो इन्वर्स ऑफ द फंक्शन. इसी के बेसिस पर तुम्हारे साइन कॉस, ये ना चैप्टर का नाम क्या है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. अब ये है बेटा जिसे कहते हैं हम सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यहीं से आएगा, समझ रहे हो. तो फंक्शन तुम्हारा, उसकी डोमेन क्या होने वाली है, उसकी रेंज क्या होने वाली है. आपको वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज याद है कि -1 से 1 तक आपका रेंज आती थी ना साइन और कॉस की, उसी तरह टैन और कॉट की कहाँ जाती थी, आर तक, है ना, सीकेंड एंड कोसीकेंड की यहाँ पे जाती थी r-1, 1, क्योंकि हमने कहा इन्वर्स फंक्शन में क्या होता है, डोमेन और रेंज स्विच हो जाती हैं. तो यही रेंज बन जाएगी. याद करने का बहुत सिंपल तरीका है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, करेक्ट. मेन दिक्कत क्या है यहाँ, एंड यही चीज़ आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, इसको हम, एक और नाम है इसका, क्या, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. एंड यहीं से सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चंस पेपर में आते हैं. ओके, एंड इसी के को याद करने की एक ट्रिक होती है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी. तो मैं क्या करती हूँ, एक मिनट छोटा सा एक ब्रेक ले रही हूँ, आपको वापस मिलती हूँ, एंड इसी शिद्दत के साथ रीस्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो आ जाओ. अरे ये क्या हो गया, अरे अरे अरे, लेकिन प्रॉमिस करके जाओगे भाई कि वापस आ रहे हो मेरे पास, है ना. अरे कहाँ गया वो, हेलो, कुछ नहीं दिख रहे ला इधर, हेलो 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 हेलो, ये रहा, टाइमर ही गायब हो गया था. ठीक है, तो एक 2 मिनट का छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, लेकिन याद रखना ट्रिक के साथ वापस आ रहे हैं. ठीक है, चलो जल्दी से आओ, जल्दी से, कम ऑन बच्चों. मैं अभी फटाफट 2 मिनट में अपना फूड खाती हूँ.
हे बच्चों, आई एम बैक। चलो पढ़ने, चलो जल्दी जल्दी से इसको करते हैं। ओके अच्छा एक चीज यार तुम्हें बतानी थी, एक तुम्हें चीज़ बतानी थी कि यहाँ पे शेड्यूल ना मैं इन स्लाइड्स में लगा ही दूंगी। वैसे तो ये रहा, ये अपना शेड्यूल है 10 बजे एंड 5 बजे। पता नहीं मैंने इसको शेयर किया है कि नहीं, मैं कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे, है ना। एंड कल के सेशन का पीडीएफ भी ऑलरेडी शेयर हो चुका है टेलीग्राम ग्रुप पे, आज के सेशन का भी हो जाएगा सेशन ख़त्म होते ही। ठीक है चलो फटाफट से आ जाओ पढ़ लेते हैं। हाँ जी, तो अभी यहाँ पे देखेंगे हम एग्जैक्टली इनको याद करने की ट्रिक क्या है, राइट। तो मैं बहुत ज़्यादा प्रूफ और उसके अंदर इस वक्त नहीं जा रही, नॉर्मली मैं बताती हूँ कि कैसे डिराइव हुआ एंड क्या हुआ, बट दिस इज़ नॉट द टाइम। तो अभी हम कैसे करेंगे यार, यहाँ पे मुझे एक पैटर्न देखना है। सबसे पहले तो आपने तीन अंटरपंटर आइडेंटिफाई किए, कैसे देखो ज़रा ध्यान से, आपको ये दिख रहा है ये माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू की रेंज में घूम रहे हैं ये तीन प्राणी, ठीक है। एंड ये तीन प्राणी कौन से हैं, कोसेकेंट इनवर्स, टैन इनवर्स एंड साइन इनवर्स। एंड बाकी के जो प्राणी हैं वो जीरो से पाई के बीच में ही डांस कर रहे हैं, यस। तो वेरी गुड, अब तुम लोग भी ऐसे डांस कर सकते हो, क्योंकि यहीं पर आ रही है अपनी मेगा वाली ट्रिक, ठीक है। ट्रिक क्या है टू रिमेम्बर, कि यार या तो हमारा माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के अंदर जाएगा आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, या फिर हमारी जाएगी जीरो से पाई तक। समझ में आ रहा है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में तो कभी हमें आंसर मिलेगा ही नहीं, दैट इज वन थिंग, थर्ड क्वाड्रेंट में तो कभी हमें आंसर मिलेगा ही नहीं। दूसरी बड़ी बात, अब ये तीनों कौन हैं, आप कोई भी एक कॉम्बिनेशन याद कर लो, बाकी सब अलग हैं। तो ये साइन इनवर्स याद कर लो, ठीक है, इसको क्या बोल दो, इसी का जैसे रिवर्स होता है ना, कोसेकेंट इनवर्स, ठीक है, एंड ये हो जाएगा टैन इनवर्स। एंड बाकी जो हैं, बाकी जो तिकड़ी है अपनी, वो कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स जा रही है ना। अरे वाह, अरे वाह, देख रहे हो, देख रहे हो विनोद, बच्चे कैसे डांस कर रहे हैं। मैं कुछ बच्चे कह रहे हैं कि पीडीएफ नहीं मिली, पीडीएफ तो टेलीग्राम में शेयर हुई है। हाँ मैंने वो बता दिया था, अभी अभी दोबारा बताया। अच्छा। कि पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके फाइल सेक्शन में जाओ, वहीं सारी चीज़ें शेयर हो रही हैं। ओके, दिस इज व्हाट आई हैव। चलिए तो अब इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस तिकड़ी की बात करूं तो ये माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू वाली है, तो इसमें मैं क्या कह सकती हूँ, ये माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू है। अब भैया हमें पता है एक्सट्रीम्स पे तो ये डिफाइंड नहीं होता, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल होता है ना, यहाँ पर ओपन, सॉरी ये टैन वाले में आएगा, उल्टा डाल दिया मैंने, रुको, ये टैन वाले में आएगा, क्यों, क्योंकि tan pi by 2 या tan minus pi by 2 तो not defined होता है ना, इसलिए open interval मिल गया है तुम्हें। cosecant inverse x मतलब, cosecant inverse x कहाँ पे not defined होगा, जीरो पे। अरे cosecant 0 1 by sin 0 हो जाएगा ना, बस याद कर लो इसको, बस याद कर लो इसको, यही तो है ये, देखो ना minus pi by 2 से pi by 2, ठीक है, यहाँ क्या आया आपका ओपन माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, एंड इधर क्या, यहाँ क्लोज तो चलेगा लेकिन जीरो पे डिफाइंड नहीं होता, खत्म कहानी, है ना, खत्म कहानी। अच्छा और बाकी की तिकड़ी कैसे बिहेव करती है, मतलब इन सबको मैं हटा दूँ एंड बाकियों को बुला दूँ इस बारी, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स एंड सीकेंट इनवर्स एक्स, इनका बिहेवियर देखें तो कैसा होगा। भैया ये कहता है कि हम जीरो से पाई में हैं, ये कहता है हम भी ठीक है, बस हम एंड पॉइंट्स पे डिफाइंड नहीं होते, कॉट ऑफ जीरो क्या होगा ना, वन बाय टैन जीरो, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। एंड ये वाला कहता है हम वैसे डिफाइंड है सारी जगह, बट पाई बाय टू पे नहीं होंगे, क्यों, सीकेंट पाई बाय टू यानी वन अपॉन कॉस पाई बाय टू, वन बाय जीरो हो जाएगा,
राइट. अच्छा, ये सिर्फ टिकड़ी को बताने का ये एम नहीं है कि बस ये कर दो एक टेबल के लिए. आगे भी जो हम कुछ मैं फॉर्मूलाज एंड प्रॉपर्टीज कुछ कुछ तो देखो करवाऊंगी, जो आपको ज़रूरी नहीं अभी लगे. हो सकता है कि अरे नहीं मैम, मेरे तो स्कूल में कटवा दिया था, यहाँ से सवाल नहीं बनेगा. कॉन्टीन्यूटी एंड डिफ्रेंशबिलिटी करेंगे, उसके अंदर उस तरह के सवाल आ रखे हैं जो इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर रहे हैं. तो प्रॉपर्टीज़ तो मैं एक बार सारी करवाऊंगी. ठीक है, अभी ये चीज़ समझ में आ गई है. यही आप टिकड़ी को इधर नाचते हुए देख रहे हो ब्लू कोड में, जीरो पाए यहाँ ओपन पाए एंड यहाँ जीरो पाए से माइनस पाए बाय टू. ये चीज़ चमक गई है एवरीबडी. यस, तो इसी तरह से नाचते नाचते आप इसको याद कर सकते हो. चलिए, ये कुछ फॉर्मूलाज है जो आपके सिलेबस में हैं क्योंकि इससे सवाल भी पूछा गया है. राइट, सो कम्प्लीटली इन सिलेबस एंड याद करना बहुत ही आसान है. एक ही जैसे एक को याद कर लो, बाकी सारे के सारे एज इट इज ही हैं. सिर्फ आपको ये याद रखना होगा कि ये थीटा या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जिसको हमने अभी रेंज कहा उसमें लाई करना चाहिए. तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, टैन इनवर्स ऑफ टैन थीटा, हमें थीटा मिल जाएगा. क्लियर है? यस, चलिए बहुत सही. आगे बढ़ती हूँ. उल्टा, ये सेकेंड सेट ऑफ प्रॉपर्टीज है. यहाँ पे क्या है, एक्स है, वहाँ पे एंगल इनपुट हो रहा था, यहाँ पे वैल्यू इनपुट हो रही है. ये कैसे वैल्यू है, एक्स शुड बिलोंग टू द डोमेन. डोमेन की तरह नेहा, हम कौन सी डोमेन की बात कर रहे हो? वैसे तो ना आपको आपके लेवल पे आउट ऑफ डोमेन कुछ देंगे नहीं, ये वाली. ठीक है, यही इधर लिखी हुई है. राइट, बहुत ही सिंपल है ना. ये वाला नेगेटिव वैल्यूज, भाई साहब ये मत सोच लेना ये नहीं आ रहा, इस पे सवाल आया हुआ है तुम्हारे सैंपल पेपर पे. अभी आपको यहाँ कुछ टिकड़ी इफेक्ट दिखा, टिकड़ी इफेक्ट दिखा, साइन इनवर्स माइनस एक्स, टैन इनवर्स माइनस एक्स, कोसेकेंट इनवर्स माइनस एक्स, यही तो हमारा ट्रायो था जो हम देख रहे थे. ऐसा ऐसा तीन ऐसा 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 करके डांस कर रहा था. तो ये तीनों सेम बिहेव करते हैं, यानी कि अगर इनके पास माइनस साइन दे दो तो बस वो फुदक के बाहर निकाल देते हैं. लेकिन ये तीनों एक जैसा ऐड करते हैं, इनको दे दो तो ये पाए माइनस बाहर निकालते हैं. कहा था ना तिकड़ी इफेक्ट अब एंड तक जाएगा तुम्हारा. ये चीज़ समझ में आए, यस और नो? इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि आपने जीरो से पाए के बीच में वैल्यू लानी होती है इन लोगों के लिए. राइट, तो डेरिवेशन में किसी भी नहीं जा रही. ओके, अब ये कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो आपको आने चाहिए आगे के और चैप्टर्स के लिए, क्योंकि कई और चैप्टर्स में ना ये फॉर्मूला दे रखे हैं, तो मैंने बिल्कुल मिनिमम लगाए हैं. क्या है बॉस, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज पाई बाय टू, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज पाई बाय टू, एंड सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस कोसेकेंट इनवर्स एक्स इज पाई बाय टू. ये वाला, ये तो तुम जो बचपन में करते थे ना, टैन ए प्लस बी इज टैन ए प्लस टैन बी अपॉन वन माइनस टैन ए टैन बी, उसी से डिराइव हो रखा है. आपने आपने छोड़ना है, आप इसको छोड़ दो. ये नहीं आपसे यूजली पूछेंगे. आप देखो यार, प्लस के साथ प्लस आ रहा है, नीचे माइनस, माइनस के साथ माइनस आ रहा है, और ये याद रखना कि इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन वन होगा. यस, समझ में आई ये चीज़? ठीक है जी, चलिए. इसको ये भी आपके बिल्कुल वही है जो आप साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, टैन टू थीटा को एक्सप्रेस करते थे ना टैन के टर्म्स में, बस ये वही वाले फॉर्मूलाज हैं. तो इनको भी याद करने की बहुत ही सिंपल एंड अमेजिंग ट्रिक होती है. क्या, कोई भी एक याद कर लो. सपोज आप साइन इनवर्स वाला याद कर लो, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टैन इनवर्स सेम ही है, बस प्लस की जगह नीचे माइनस आ जाएगा. एंड कॉस इनवर्स क्या है, इन दोनों का मिक्सचर, तो इसका डिनोमिनेटर अपॉन इसका डिनोमिनेटर, ये कंडीशंस दे रखी है. क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन पे आ रहे हैं, पर तब तक थोड़ा शोर शुरू तो मचा दो बच्चों. क्वेश्चन शुरू करें क्या? और कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में, बताओ मैं अपनी तरफ से बनाऊं. फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस सीबीएसई 2021. चलो चलो चलो, हाँ जी. आप देखो
पहली बात तो ये कॉस दे रखा है और यहाँ साइन इनवर्स है, पहले तो आपको इसको साइन में करना पड़ेगा, है ना। तो कॉस और साइन में तो हमें कन्वर्ट करना आता है ना, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। अच्छा, पहले एंगल को छोटा करने के लिए आप चाहो तो ये कर सकते हो, मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, 2π माइनस ये 5 है, 5 है ना, तो 2π प्लस, यस और नो, ये काम कर सकती हूँ ना मैं, क्योंकि यार मेरी दुनिया 0 से 2π के बीच में ही घूमनी चाहिए ना। तो इसको अगर मैं लिख लूँ तो 2π प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, तो कॉस 3π बाय 5 आ जाएगा। चलिए, आपको याद रखना है, आप ये फॉर्मूला तभी लगा पाओगे जब आपका थीटा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 आएगा, राइट। ये सिचुएशन आ गई है, अभी मैं इसको साइन पाई बाय 2 माइनस 3π बाय 5 लिख सकती हूँ, यस और नो। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन, इधर 10 आएगा बेस में, है ना, ये आ जाएगा 5π एंड माइनस 6π, देख रहे हो ना, एलसीएम ले लो तो 5π एंड माइनस 6π तो माइनस पाए। अब आंसर आप बताओ, सबसे पहले तो यार आपको पता है साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, ये तो हमने क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन थीटा। अब भी हमने नेगेटिव एंगल्स के बारे में पढ़ा कि साइन इनवर्स ऑफ ये तो बाहर फेंक देता है इसको उठा के, अब बस आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो मेरा एंगल निकल रहा है 180 बाय 10 यानी 18 डिग्री, क्या ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में है, ऑब्वियसली है, लेकिन नहीं होता तो कन्वर्ट करना पड़ता है, तो माइनस पाई बाय 10 आंसर आ जाएगा। या दिस इज राइट, यस और नो, ठीक है, हो गया। अब हो सकता है आप शुरुआत में, जैसे कुछ बच्चे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, मैंने बिना कोई भी प्रॉपर्टी यूज किए बिल्कुल बेसिक वाली करके एंड डायरेक्ट आंसर निकाल लिया। चलिए, लेट्स लुक एट दिस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3। हमने हाथी पहले निकाल दिया, अब पूंछ निकल रही है छोटी सी, इसमें तो कुछ ज्यादा है ही नहीं। चलो चलो बच्चा, इसको करो। ओके, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3, पहले तो यार ये कॉट इनवर्स वाला है, ये आया है तो ये ऐसे मचा के जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ रूट 3, करेक्ट है ये चीज एकदम। अच्छा, कॉट इनवर्स ऑफ रूट 3 क्या होता है, टैन इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट 3 होता है पाई बाय 6। ओके भाई, ये तो आंसर आ चुका है बहुत जल्दी। ओके, अगर ये चीज मुझे दे रखी है, अगर मुझे ये चीज दे रखी है, आप सिंपल सा इसमें फंडा लगाओगे, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स तुम्हारा पाई होता है, अगर सॉरी पाई बाय 2 होता है, तो इसकी जगह 3 टैन इनवर्स एक्स प्लस पाई बाय 2 माइनस टैन इनवर्स एक्स इज पाई, यानी कि ये क्या आ जाएगा, 3 tan inverse, ये 2 tan inverse x is equal to pi by 2, यानी tan inverse x is pi by 4, तो x is tan pi by 4, ठीक है जी। ओके, ये बताइए कैसे होगा, चलो कम ऑन माय आर्मी, इसको करते हैं। डोमेन ऑफ द फंक्शन कॉस इनवर्स ऑफ 2x माइनस 1, अब थोड़ा सा याद करो, डोमेन जो मेरी नॉर्मली कॉस इनवर्स x की थी, ठीक है, इसकी डोमेन क्या थी, अभी हमने पीछे किया है माइनस 1 से 1। अच्छा, डोमेन मतलब एंट्री, अंदर क्या है, यानी 2x माइनस 1 शुड बी बिटवीन माइनस 1 एंड 1, तो यानी डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, यानी मेरा x कहाँ लाइ करेगा वो मुझे पता करना है। दिस मीन्स मैं 1 चारों दिशाओं में ऐड कर दूं,
खत्म, है ना, खत्म, बहुत बढ़िया। रीजनिंग असर्शन टाइप के कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बिगिनिंग वही है तुम्हारी, समझ लेना ए एंड आर दोनों ट्रू है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या फिर ए एंड आर ट्रू तो है लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। थर्ड क्या कह रहा है, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, एंड फोर्थ ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। तो आ जाओ इस सवाल को देखो जरा, व्हाट डज इट से, डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये आपके सैम्पल पेपर का सवाल है। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन सीकेंट इनवर्स ऑफ 2x इज दिस, क्या ये सही है, यस या नो? जरा मैं देखूं इसको कितने बच्चे बता पा रहे हैं कि क्या ये सही है। देखो आपका डोमेन वैसे सीकेंट इनवर्स फंक्शन का क्या होता है, अगर आपको याद हो मैंने वो टेबल में कराया था, सीकेंट इनवर्स एक्स फंक्शन का डोमेन इज, इसको अगर नंबर लाइन पे बना के देखो तो बेसिकली ये चीज कह रही है, ठीक है, ये चीज कह रहे हैं, यानी माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इन्फिनिटी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2x दे रखा है, यानी 2x विल लाई ऑन द सेम, 2x विल यानी के लाई ऑन द सेम, तो यानी x विल लाई, यानी x विल लाई यहीं पे, तो हाँ यार, हाँ यार मेरा assertion तो करेक्ट है। आर क्या कह रहा है, सीकेंड इनवर्स ऑफ माइनस टू माइनस फाइव बाई फोर होता है, क्या सेकेंड वाला पार्ट ट्रू है, assertion तो ट्रू है मेरी, इसका क्या मतलब हुआ, सीकेंड इनवर्स में क्या होता है, बाहर ऐसे नहीं आता, ये पाए माइनस सीकेंड इनवर्स टू बनता है, एंड सीकेंड कॉस इनवर्स आपका जो हाफ होता है वो क्या होता है, पाए बाय थ्री होता है, दिस इज टू पाए बाय थ्री, ये माइनस पाए बाय फोर तो नहीं है। तो सिंपल सा फंडा अपना चलेगा, एसर्शन ट्रू है रीजनिंग रॉन्ग है, विच इज ऑप्शन सी, विच इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट उस पर आती हूँ, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो 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 बच्चा, ओके, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ वन बाई रूट टू इज पाई बाय फोर एंड कॉट इनवर्स ऑफ दिस इज, ये क्या होता है, डॉलर कहाँ से आया, अरे बाबा हम डॉलर की तो बात ही नहीं कर रहे, मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा आ गया, अपना सपना मनी मनी। चलिए साइन इनवर्स ऑफ वन बाय रूट टू तो यार पाई बाय फोर होगा ही, कॉट इनवर्स में क्या है ना, ये शरीफ की तरह बाहर नहीं आता, ये शैतान की तरह आता है ऐसे, करेक्ट। तो कॉट इनवर्स ऑफ वन बाय रूट थ्री इज द सेम एज सेइंग टैन इनवर्स ऑफ रूट थ्री जो पाई बाय थ्री है, तो ये टू पाई बाय थ्री है, फिर से, अच्छा ये यहाँ पे ऑलरेडी मार्क था बताओ, है ना, तो ये तो डन है जी, एसर्शन ट्रू है रीजनिंग रॉन्ग है, ओके ऑल राइट। सैंपल पेपर का सवाल सर, हाँ जी यहाँ बताइए, साइन इनवर्स ऑफ साइन 13 पाई बाय 7 कैसे करोगे इसको, देखो आपको याद रखना है कि ये आपका माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में लाई करना चाहिए, तभी आप आंसर बाहर निकाल सकते हो, 13 पाई बाय 7 तो हो नहीं सकता, है ना, 13 पाई बाय 7 तो हो नहीं सकता, तो इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे बॉस, ये माइनस 90 से 90 में तो लाइक कर नहीं रहा, तो क्या करेंगे, मैं इसके अंदर क्या करने वाली हूं, थोड़ा सा ओके ऐसे लिख सकती हूँ मैं, अब 2 पाई माइनस थीटा
फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव होता है. अरे साइन कहाँ खा गए बे. वो दे दो. चाहिए तो वो नहीं चाहिए. एंड माइनस पाई बाय सेवन डेफिनेटली लाइक कर रहा है माइनस 90 से 90 के बीच में, क्योंकि आप देखो ना 180 बाय 7 आ रहा है जो आपको 7 2 40 है ना. तो मतलब कहीं ना कहीं वो आपको यार अगर आपका 7 से डिवाइड कर रहे हो ना आप समझो 30 डिग्री से भी कम आ रहा है राइट. तो ऑब्वियसली सो माइनस पाई बाय 7 इज द आंसर. सारे बच्चे आई थिंक यही दे रहे हैं आंसर है ना. इजी. चलिए फिर से आगे जाने से पहले आपको बता दूं ये 12th के मैराथन के जितने भी सेशन हैं एंड अगर आप एनसीईआरटी के बेसिक से पढ़ना चाहते हो तो आपको इस लिंक पे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. एंड जेई के जितने भी बच्चे हैं ऑफकोर्स हम अपनी जेई की सीरीज़ को तो कंटिन्यू करेंगे ही आपके क्या कहते हैं 11 मार्च के बाद. लेकिन तब तक आप यहाँ से पढ़ के 100 मिनट्स का डेली डोज सीरीज़ चल रही है राइट. उसके सारे DPPs टेलीग्राम ग्रुप में मिल रहे हैं एंड टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग बहुत सेफली ज्वाइन कर सकते हो राइट. आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स हाइड हो जाती है. ओके चलो नीरज बेटा एनसीईआरटी से लिटरली 1.5 एक्सरसाइज आ रही है इस टॉपिक पे. मेजॉरिटी हम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तो आप कवर कर सकते हो फिर है ना. ओके टैन इनवर्स ऑफ रूट थ्री क्या होगा पाई बाय थ्री. इसको आप बाहर निकाल दोगे cot inverse of root 3 is the same as saying tan inverse of 1 by root 3. ये pi by 6 आ जाएगा. माइनस pi by 2 मिल रहा है अपने को आंसर. यस और नो. दैट्स इट डन. इट्स नाइस. ठीक है चलिए आ जाइए. लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन. मैं आपको कह रही हूँ जो प्रॉपर्टी बेस्ड थोड़े बेसिक बेसिक वाली चीज़ें करा रही हूँ, बहुत डेप्थ में नहीं जा रही, लेकिन ये सारे बेसिक्स आपको आने चाहिए फॉर द रीज़न. अभी अगर तुम सोचो इन्वर्स ट्रिगो में नीट भी डायरेक्ट सवाल आएगा, लेकिन फिर कॉन्टिन्यूटी डिफ्रेंशियबिलिटी में तो आता है, आपको ये कन्वर्जेंस चाहिए होती है राइट. ओके आप इसको टैन इनवर्स में लिख सकते हो. पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. यस और नो. ये बी बाय एच होता है ना, तो पी बाय बी क्या होगा 3/4. बस अब तो फॉर्मूला लगा सकते हो टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - xy. बस इस चीज का याद रख लेना कि 3/4 × 2/3 is less than 1. That's it. आ जाओ फिर क्या करोगे. 12 होगा यहाँ 9 आ जाएगा यहाँ 8 आ जाएगा अपॉन देखो 4 3 12 तो कटना ही है, पहले मत काटो अभी. 12 - 6 is tan inverse of 17/6. Answer is killed dead slaughtered. Very good. Tan inverse of 17/6. चलिए केस स्टडी बेस्ड questions पे आ रही हूँ मैं. क्वेश्चन ही इतना छोटा है, कितना करोगे बाकी एनसीईआरटी से देखोगे. तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन अब मैं दोनों तरह के करूँगी. सबसे पहले यहाँ से लेते हैं. आ जाओ बच्चों. ओके हैव अ लुक एट दिस. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो.
हाँ जी शर्लिन एंड दंजू आर प्लेइंग लूडो एट होम ड्यूरिंग COVID-19 वाह While rolling the dice, Sherlyn's sister Raji observed and noted the possible outcomes of throw. Every time belongs to this set. Re, ये तो obvious नहीं है बेटा. ये तो obvious नहीं है. एक die में और क्या outcomes आएंगे? यही आएंगे. Let A be the set of players, while B be the set of possible outcomes. ठीक है? तो ये Sherlyn और Danju. शर्लिन और डंजू सेट ए हैं एंड सेट बी में सारे आउटकम्स हैं. इतना समझ में आ गया? ओके अब आपको ये पूछा है कि भैया देखो ए तो शर्लिन और डंजू है. ठीक है क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया है कि यार ऐसा रिलेशन बन रहा है वाई डिविजिबल बाय एक्स क्या होगा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक इक्विवेलेंस क्या क्या बता पाओगे आप? हाँ जी वाई इज डिविजिबल बाय एक्स तो यार ये रिफ्लेक्सिव बनेगा कि नहीं? ऑब्वियसली आप डायरेक्ट ही कह सकते हो ना एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सेट बी है ना तो एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर है तो रिफ्लेक्सिव तो ये 100% है तो कोई नॉट रिफ्लेक्सिव कह रहा है तो उसको काट ही दो आप राइट right? बच्चे ए कह रहे हैं गंजो ट्रांजिटिव बट नॉट सिमिट अच्छा अभी सिमिट्रिक देखे एक्स इज डिविजिबल बाय देखो वाई इज डिविजिबल बाय एक्स अभी ऐसे तो मैं कितने एग्जांपल ले सकती हूँ ना 2 4 बिलोंग्स टू आर सिंस 4 इज डिविजिबल बाय 2 बट 4 2 डज नॉट बिलोंग टू आर Since 2 is not divisible by 4. Symmetric तो नहीं है भाई तो ये भी गया वो automatically चाहे आप transitivity show करो या नहीं करो वो automatically यही है ठीक है जी चलिए तो Mr. डंजू और शर्लिन जी खेल रहे हैं और राजीव पता नहीं कहाँ से बीच में अजीब अजीब नाम बस डाल दिए हैं ओके हाउ मैनी नंबर ऑफ फंक्शंस आर पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी तो यार ए से लेके बी तक कितने आपके फंक्शंस पॉसिबल है क्या करेंगे ए से लेके बी तक यानी ए के पास मैं ए के पास आऊँ 6 ऑप्शन है भाई किसी से भी अटैच हो सकता है मैं डी के पास आऊँ किसी 6 में से किसी पे भी अटैच हो सकता है तो 6 × 6 स्क्वायर यस ऑर नो चमक गया वेरी गुड अच्छा आगे बढ़े दोस्तों आगे बढ़े हाँ जी यहाँ बताइए यहाँ क्या हो रहा है लेट आर बी अ रिलेशन डिफाइंड एज दिस राइट देन आर इज विच ऑफ द फॉलोइंग भाई ये रिफ्लेक्सिव है क्या सबसे पहले को तो देखो आप रिफ्लेक्सिविटी करते हो रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं क्योंकि 2 2 के अलावा और 5 5 के अलावा 1 1 3 3 4 4 सब मिसिंग है तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है इज इट सिमेट्रिक 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है तो आप क्या बोलोगे 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर तो सिमेट्रिक भी नहीं है अब ट्रांजिटिव का क्या करें ट्रांजिटिव है क्या नहीं है देखो आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो मुझे तो सामने दिख रहा है 1 3 एंड 3 4 बिलोंग टू आर बट 1 4 तो कहीं है ही नहीं यस ऑर नो है ना अरे यस ऑर नो ठीक है कुछ भी नहीं है नन ऑफ दीज है ओके ओके लेट्स हैव अ लुक एट दिस पहले उसने फंक्शंस बोला था वो रिलेशंस मांग रहा है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्लास 11th वाला देखे जरा
अरे इसको देखिए जरा, हाँ के ना, यहाँ क्या होगा? राजी वॉन्ट्स टू नो द नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल. एक तो राजी को सब पता करना है ना. राजी वॉन्ट्स टू रिलेशन, सॉरी, वॉन्ट टू नो द नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी. अब नंबर ऑफ रिलेशन हमने बिगनिंग में पढ़ा था आर द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होते हैं अगर आपको याद हो, क्लास 11th में पढ़ा था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी. तो जो हो जाएगा 2 और 6, 12. अब नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं क्लास 11th में आपने पढ़ा था, 2 raised to power नंबर ऑफ एलिमेंट्स. डन. क्या बात है, वेरी नाइस दोस्तों. चलिए आगे बढ़े. दिस हैज बीन गिवन. अब ये क्या है, देखो 1-1 है, 2-2 है, 3-3 है, 4-4 है, 5-5 है, 6-6 है. रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि यहीं पे 2-1 नहीं है, है ना. तो सिमेट्रिक तो नहीं है. अब सिमेट्रिक नहीं है तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा. देखा आपने, ऑप्शन से खेल गए हम. वैसे ट्रांजिटिव आप चाहो तो बोल सकते हो, एक ही चीज बन रही है ना, 1-2, 2-2, 1-2 वो है, या 2-1, 2-1 तो है ही नहीं. दिया 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 बस, राइट. यस मैम, आज शाम 5 बजे इंटीग्रेशन है. नहीं सर, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. सर भूल गए थे. ठीक है, इनवर्स ट्रिगो मतलब हम इनवर्स ट्रिगो के केस स्टडी क्वेश्चंस फट कर लेते हैं. एंड ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस का सोर्स अगर आपको बता दूं तो ये आपका CBSE के प्रैक्टिस के लिए उन्होंने पूरी जो मैंने कल शीट आपकी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर की थी केस स्टडी क्वेश्चंस की, ये वहीं से करवा रही हूँ. ओके काफ़ी फैला हुआ क्वेश्चन है भाई, पढ़ो भाई पढ़ो इसको. चलो चलो चलो, ये PDF के लिए तो 4000 लगेगा बेटा, जल्दी से लाइक करने का. 4000. चलिए पढ़ लो अभी यार, पढ़ लो. क्या लिखा है, टू मैन ऑन ईदर साइड ऑफ 30 meters हाई ऑब्जर्व इट्स टॉप ऑफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, जो दिख ही रहा है आपको. अरे ओहो, पीछे क्यों चले गए. तो ये ए है, ठीक, ये बी है, ये बी है, ये सी है, ठीक है. यहाँ कुछ एंगल्स दे रखे हैं हमें. हाँ जी, तो उसने कहा अल्फा एंड बीटा वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये अल्फा है, यहाँ बीटा है, ठीक है. डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन इज 2 men, ये पूरा ए सी डिस्टेंस 40√3 है. एंड डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट पर्सन एंड द टेम्पल, दिस इज द टेम्पल. छोटे बच्चे को बोलते हैं ना, जय कर दो बेटा, जय जय कर दो. ए डी क्या है आपका, 30√3 meters, तो जय लिख दो सारे के सारे, ठीक है. सो नाउ बेस्ड ऑन दिस हम ये क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, काफी भक्तिपूर्वक सवाल. आइए दोस्तों, तो यहाँ पे ना क्या है, मार्क कर दिया आपका, ये भी दिया होगा ना, बी डी. हाँ 30 meters हाई दिया हुआ है, ठीक है. तो इन सारे पॉइंट्स को मार्क कर दिया कि यार ये बी डी जो है ये 30 है, ये पूरा ए बी है 40√3 है, ये ए डी है ये 30√3, आपसे मांगा है एंगल सी ए बी. हट, ये सवाल है. एंगल सी ए बी के लिए ऑब्वियसली आप ये वाला ट्रायंगल देखोगे, ठीक है, है ना. वेरी गुड, बहुत ही बच्चे. और इसी बात पे अब जय कर दिया तो लाइक भी कर दो जल्दी से, है ना. जय कर दिया तो अब लाइक भी कर दो जल्दी से. चलिए आ जाओ आ जाओ. तो ये क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल बी डी ए अल्फा मांगा है ना. अरे सब कुछ तो दे रखा है, 30/30√3 इज अल्फा.
अल्फा इज 1/√3, क्या ही होगा भाई। अच्छा साइन के उसमें मंगा है, अल्फा इज 1/√3, सॉरी टैन अल्फा इज, टैन अल्फा आपका 1/√3 है, तो सही है। आप पहले इसमें से साइन निकाल लो ना, टू आ जाएगा तो साइन क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/2, ये रहा, ठीक है, दैट्स इट, खत्म खल्लास। ओहो ये रहा साइन इनवर्स हाफ, ओके। अब सेम कॉस इनवर्स के टाइम में मांगा है, काय जला साइन इनवर्स ऑफ हाफ है यार। अब आपको ये पता चल गया था ना, क्या ये 1 था, ये √3 था, ये 2 था, तो कॉस के टर्म्स में नहीं लिख सकते √3/2, है ना, दैट्स इट। अच्छा अगले उस पर आओ, बीटा मांग लिया इस तरफ का, क्या ही सवाल बनाया है बताओ। तो यहाँ से अभी टैन बीटा क्या करोगे, देखो ये पूरा 40√3 था, ये 30√3 था, तो ऑब्वियसली ये 10√3 है ना, तो 30/10√3 इज इक्वल टू टैन बीटा, तो क्या हो जाएगा आपका ये, बोला एंगल तक नहीं पूछा, मतलब एंगल तक नहीं पूछा, सिर्फ √3 पे ही छोड़ दिया उसको। चलो एबीसी, अरे एबीसी किधर है, एबीसी अब ये है, अरे यार दोनों एंगल आ गए हैं बताओ, तो हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्या। देखो आपका अल्फा क्या आया था, अगर आप तुमको अब थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं रिवर्स गियर में, अल्फा कॉस इनवर्स √3/2 सॉरी तो अल्फा क्या आ गया था आपका कॉस इनवर्स ऑफ √3/2 यानी 5/6, एंड बीटा क्या आ जाएगा 5/3, तो एबीसी क्या आएगा भैया 180 डिग्रीज में से एक आपका 5/6 है, एक आपका ये है, तो क्या आएगा 90 डिग्री आएगा, है ना, ये क्या मजाक हो रहा है नेहा मैम। ओके रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, डोमेन एंड रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होती है, राइट, रेंज एंड डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होती है, क्या करेंगे हम, पता है हमें डोमेन आपकी -1 से 1 होती है, एंड कॉस इनवर्स एक्स की रेंज ये होती है, सी इज द आंसर, राइट, ये तो एक क्विक सी फॉर्मूला रिविजन ही हो गई अपनी। चलिए क्वेश्चन बैंक है, लेकिन उससे पहले ना मैं यहाँ पे आपको 2-3 क्वेश्चंस ना यहाँ से कराना चाह रही थी, मिसलेनियस से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की ना, तो मेजॉरिटी तो देखो आ नहीं रहा है, लेकिन जो आ रहा है वो पूछ लेते हैं। सॉरी चलिए आपके लिए आज शाम को 5 बजे का सेशन भी रिलीज हो चुका है, तो उसका भी रिमाइंडर जाके सेट कर लो। सर आपने इसे लगा ही दो, वी आर वाइंडिंग अप, या चलिए बच्चों बताओ इसको क्या होगा। अब आपको याद रखना है यार, कॉस इनवर्स के अंदर ये फॉर्मूला लगा रहे हो तो वो 0 से π तक ही आपकी चीज़ें जानी चाहिए, करेक्ट, ये मुझे समझ में आता है। तो यार ये 13π/6 इज वे बियॉन्ड दैट, मतलब दिख ही रहा है ना, डिवाइड करो तो 2π से भी बाहर जा रहा है, कान पकड़ के वापस लाना पड़ेगा।
ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाइक कर रहा है, तो दिस इज द आंसर. मिल गया सबको, है ना? मिल गया सबको. ओके आ जाओ. ओ ओ 17 नहीं है यहाँ, सिर्फ 7 है. ओके यहाँ क्या करोगे, एक आध और करवा रही हूँ आपको, मिसलेनियस एग्जाम्पल भी एक दो करवा रही हूँ. चलिए 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 बच्चा, चलो चलो. चलिए 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 गाइस, हाउ आर वी डूइंग दिस? क्या करोगे आप इसमें? ये वाला जो है यार, ये माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू पे होना चाहिए. क्या ये उधर लाइक कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं यार, ये तो 210 डिग्री है. तो मुझे इसको कुछ ना कुछ तो छेड़छाड़ करनी पड़ेगी इसके साथ. ये हम कह सकते हैं पाई प्लस थीटा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में लेके जा रहा है. शुक्र है थर्ड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिविटी ही होती है. अब मैं इसको आराम से पुल आउट करके आंसर पाई बाय 6 ला सकती हूँ. ठीक है, ओके. मिसलेनियस एग्जाम्पल ले रही हूँ, करेक्ट? मिसलेनियस एग्जाम्पल ले रही हूँ, पेज 49 पे है. तो लो जी, 3π/5, यानी कि ऑब्वियसली आपको लेके आनी है चीज़ों को माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू. वो तो ये बिल्कुल भी नहीं आ रहा, वो तो ये बिल्कुल भी नहीं आ रहा, है ना? तो इसको क्या किया जाए? कुछ ना कुछ तो इसको भैया वापस खींच के लाना ही पड़ेगा हमें, राइट? कुछ ना कुछ तो इसको खींच के वापस लाना पड़ेगा मुझे. तो मैं क्या कर सकती हूँ, देखो 2π से लाऊं, पाई से लाऊं, किससे लें? नहीं, 7π तो और बड़ा हो जाएगा, हमें छोटा करना है इसे. पाई एंड यहाँ 5 है, 2π आ रहा है क्या? 2π/5 आएगा क्या इसमें? देखो ना यार, 2 × 180/5, 5 × 3 = 15. यस 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 यस, आ रहा है 72 डिग्री हो रहा है ना ये, वो 108 डिग्री हो रहा था, बाहर जा रहा था, है ना? पाई माइनस 2π, अच्छा पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में ही है, तो दिस विल कंटिन्यू टू स्टे पॉजिटिव एंड यही आंसर आपका आ जाएगा. ठीक है जी, एवरीबडी एब्सोल्यूटली सॉर्टेड? यस, तक इस मेजॉरिटी मैंने आपके साथ यहाँ पर चीज़ें ले ही ली हैं. इनफैक्ट कुछ जो लॉन्ग वाले थोड़ा टेढ़ा वाला क्वेश्चन था, ये वाले सारे कर लिए. एक मिनट, ये वाला भी हमने कर लिया था. लॉन्ग क्वेश्चन में मेरे को एक चीज़ आपसे डिस्कस करनी थी, ये वाला हो गया था. दिस वॉज डन. ओके, ये वाला क्वेश्चन. इसको देखो यार, ये वाले क्वेश्चन को देखो. वो क्या कह रहा है? इट इज सेइंग, ये मेरे को पूरा यार सेट ए दे रखा है. शो दैट दिस इज डिविजिबल बाय 4 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन एंड फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1. ठीक है, रिलेटेड टू 1 मतलब वो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 ही मांग रहा है, और रिलेटेड टू 2 दो चीज़ें हैं. ठीक है, दो चीज़ें हैं जो आपको बेसिकली करनी है. तो इसको कैसे करने वाले हैं जरा देखिए यहाँ पे.
एवरीबडी ध्यान से देख लो. सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए सिंस मॉड ऑफ ए माइनस ए इज तो जीरो विच इज डिविजिबल बाय फोर राइट. खुद एंड आई कैन से फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू द सेट. खत्म भाई ए माइनस ए तो जीरो ही हो गया. सिमिट्रिक दिस इंप्लाइज अ मॉड है ना. मॉड को हल्के में मत लेना. इज फोर एम लेट्स से. तो यार ये तो m कोई भी इंटीजर है. दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ b माइनस ए भी तो 4m ही होगा. यार मॉड के अंदर आप प्लस माइनस हिला रहे हो, क्या फर्क पड़ रहा है. ठीक है जहां पे a एंड b a से आ रहे हैं. आई होप मेरे को समझ में आ रही हैं चीजें कि ये लिख कैसे रहे हो आप. ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं लेने होते बेटा यहाँ पे. ठीक है बेटा ये सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी. ठीक है ट्रांजिटिव. तो अब इस ट्रांजिटिव को जरा ध्यान से देखो कैसे लिख रही हूं मैं. सो पहले तो लिख दो यार ए बी सी जो है तुम्हारे सेट ए से हैं. नाउ लेट ए बी एंड बी सी बिलोंग टू आर. इसका मतलब क्या हुआ बॉस. ए माइनस बी इज इक्वल टू फोर एम एंड बी माइनस सी इज इक्वल टू फोर एन. अब जो मैं स्टेप करने वाली हूँ दैट इज गोइंग टू बी द हाईलाइट. भैया मॉड को अल्टीमेटली आपने हटाना है. अब आप ऐड कर दीजिए. अरे आप कहाँ से आए. अब आप इसको ऐड कर दो. अरे यहां दिखा देती हूं. ऐड करके आई विल गेट दिस. दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय फोर. अब a माइनस सी डिविजिबल बाय फोर है तो मॉड ऑफ a माइनस सी विल ऑल्सो बी प्लस माइनस हटा दो. ठीक है जी. यानी ए सी विल बिलोंग टू आर. ये चीज समझ में आ गई है ना. दिस मीन्स ए सी विल बिलोंग टू आर. ये चीज समझ में आ गई है ध्यान से. चलो अब इसका लास्ट बिट देख लेते हैं. इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन यानी कि ऐसे नंबर कि यार a माइनस वन इज डिविजिबल बाय फोर. तो वो कौन कौन से नंबर है. अच्छा नंबर यहाँ से होने चाहिए तुम्हारे. यहाँ से नंबर उठाने हैं आपने इंटीजर्स. ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व. तो बता दो यार a माइनस वन इज डिविजिबल बाय फोर ऐसा कब कब हो रहा होगा. क्या क्या ऑर्डर पेयर आएंगे इसमें. a माइनस वन. अच्छा अभी वन फाइव ठीक है. वन सिक्स नहीं वन सेवन नहीं वन एट नहीं वन नाइन ले सकते हो. वन टेन नहीं वन इलेवन नहीं. समझो ना डिविजिबल बाय फोर होना चाहिए. वन ट्वेल्व नहीं तो वन फाइव और वन नाइन ले सकती हूँ मैं. एक मिनट यार. एक सेकेंड. यस ऑर नो. मैम फाइल इज रेडी तो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दो अभी. हाँ सर बस अगले दो तीन मिनट में. लेकिन 4000 लाइक पे. 4000 लाइक. जी जी जी. तो 1000 लाइक होंगे तो मैं उसी टाइम कर देता हूँ. जी तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स है. यानी कौन कौन से उसने बोला एलिमेंट्स रिलेटेड है. तो आप वन भी तो डाल सकते हो. वन वन. अरे जीरो भी तो आएगा. हाँ वन वन बच्चे भी लिख रहे. राइट तो ऑर्डर्ड पेयर की बात करूँ तो वन वन मतलब ऑर्डर अगर रिलेशन में देखूँ क्या क्या है तो आप वन 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 फाइव वन नाइन लिख सकते हो. लेकिन एलिमेंट्स अगर वो बोल रहा है फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट्स तो आपको ये सेट देना पड़ेगा.
हाँ जी, एंड इसी तरह इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टू, यानी कि मॉड ऑफ a माइनस टू इज डिविजिबल बाय 4. तो अब इसके लिए क्या क्या होगा, इसके लिए क्या क्या आ सकता है बताओ. 2 2 तो आ ही सकता है ऑब्वियसली, है ना. 2 और 6 आ सकता है, ठीक है. डिविजिबल बाय 4 याद रखना, 2 और 10 आ सकता है. और भी कोई आ रहा है क्या, और भी हमें कोई दिख रहा है क्या जो आ सकता है. मेरे हिसाब से तो यही आ सकते हैं, 2 2 2 6 2 10, जो डिविजिबल बाय 4 होंगे, ठीक है. तो इक्विवेलेंस क्लास बोली है तो आप ये लिखोगे ऐसे. एलिमेंट्स मांगे हैं तो 2 6 10 दोगे, राइट. तो चलिए जी फटाफट से कर दीजिए आप यहाँ पर 4000 लाइक्स, ताकि आपका पीडीएफ शेयर हो जाए टेलीग्राम ग्रुप में. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इस शेड्यूल के चलते हुए आपका अगला डेस्टिनेशन कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी एंड एओडी है. 5-1 नहीं होगा. हाँ, बिल्कुल 1-5 भी डाल सकते हो. अरे बहुत सारे मिस हो गए क्या, बहुत सारे मिस हो गए क्या. यस 1-5 2-6 बिल्कुल सारे डालो, और सारे डाल के मुझे बताओ भी. 8-12 बिंदास. सो 2-2 1-5 या 5-1 कुछ भी डाल दो, या 2-8 डालो, 8-12 डालो. बिल्कुल सही कह रहे हो, सारे के सारे डालने हैं. कल की पीडीएफ, अरे बेटा वो ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में रात को ही शेयर हो गई थी, ठीक है. तो यस बिल्कुल इनकम्प्लीट छोड़ा है मैंने से, आप पूरी इक्विवेलेंस क्लास डालो, सारे आएंगे. बिल्कुल सही कह रहे हो, 2 के साथ ना सारे आएंगे यहाँ पे. 2-2 भी आएगा, 2-6 भी आएगा, है ना. 2-10 भी आएगा, फिर 8-12 भी आएगा. यस 2-4 नहीं आएगा ना, क्योंकि 2-4 तो 2 हो जाएगा, डिविजिबल बाय 4 थोड़ा ना बचेगा, राइट. सो प्लीज़ डू दैट, मेक श्योर. एंड वैसे आपको दिखा दिया जाए कि जो जेई की ब्लास्टर सीरीज़ है वो आपको इस पीडीएफ में मिल रही है, JEE 23 एक्सक्लूसिव सीरीज़ यहाँ पे, राइट. ऑल द वीडियोज़, 100 मिनट्स का डेली डोज, आप इसको प्रैक्टिस करो. और क्वेश्चन करना चाहते हो तो टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ एवरी चैप्टर है, एंड ऑल द DPPs आर गेटिंग शेयर्ड इन द टेलीग्राम ग्रुप. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिखा देती हूँ, और बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है. एंड बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू विल ऑल्सो फाइंड दिस 12th बोर्ड की सीरीज. तो जितने नए सेशन हो रहे हैं वो भी यहाँ लगते जा रहे हैं, करेक्ट. एंड बाकी यहाँ पे आप लोग क्या करो, इस वक्त लिंक जो पिंड है, अरे ये तो सेशन चल ही रहा है, इस वक्त जो आपका लिंक पिंड है वो शाम 5 बजे के सेशन का है. तो फटाफट वहां पर पहुंच कर मेक श्योर यू आर हिटिंग द लाइक बटन एंड यू आर स्विचिंग ऑन द नोटिफिकेशन. काफी तगड़ा वाला चैप्टर है, आपकी डिफरेंशियल कैलकुलस पूरी कवर हो रही होगी, राइट. सो थैंक यू सो मच. केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए ऑलरेडी पीडीएफ शेयर हो गई थी टेलीग्राम ग्रुप में. बाकी मज़ा आया तो यार लाइक किए बिना मत जाना, एंड सब्सक्राइब करके रख लो सो दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन एनी ऑफ द सेशंस, एंड जो आगे आने वाले भी जेई के सेशंस हैं. काफी सेंसिबल सेशंस होते हैं, एग्जैक्टली, टू द पॉइंट, क्रिस्प, नो बकवास. चलिए ऑन दैट नोट आई विल सी यू अगेन एट 5 PM. यहाँ पे 4000 लाइक्स होते ही पीडीएफ आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर हो जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, राइट. नहीं बच्चों ज्वाइन कर लो, मैं अच्छा सर मजाक कर रहे होते, अच्छा. तो यहाँ पे आप यहाँ पे ज्वाइन कर लो फटाफट से, एंड यहाँ पे आपको पीडीएफ शेयर हो जाएगी. एग्जैक्टली, एंड वी डोंट इंटेंड टू वेस्ट योर टाइम. चलिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, मिलते हैं अगेन, ठीक है जी. तो ये शेड्यूल एक बारी दोबारा से देख लो, राइट, बाय. कोई बच्चा अगर अभी ज्वाइन करता है
तो जैसे अभी ज्वाइन करता है तो उसको कल वाली टेलीग्राम वाली फाइल भी दिखेगी? हाँ वो अच्छा उसको फाइल सेक्शन पे जाके ना सारी फाइल्स हैं पुरानी अच्छा उसकी। मुझे ना ऐसा लग रहा था, पता नहीं किसी पॉइंट तक, कि जो अभी ज्वाइन करेगा उसके बाद वाली ही दिखेंगी, नहीं, सारी पुरानी नहीं दिखेंगी। दिखेंगी। अच्छा, क्योंकि ना कल मैंने वो जो भी फाइल शेयर की थी वो काफी बच्चे। ओके हाँ ओके, गॉट इट।